नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश 24 की महापंचायत में आपका स्वागत है। देश, आप, मैं, हम सब आज आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, 77वीं वर्षगांठ। और 76 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले बंटवारा भी हुआ देश का, तो फैज अहमद फैज साहब ने कहा था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। लेकिन फैज अहमद फैज गलत साबित हुए। आज जो ये सुबह है और देश जो जश्न मना रहा है आजादी की और आजादी का, और प्रधानमंत्री मोदी जो ताल ठोक रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है, ये कालखंड और आने वाला समय भारत का रहने वाला है। 2047 में हम एक विकसित मुल्क हो जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कर रहा है देश, तो सुबह तो सुहानी है और उसका आनंद भी हम ले रहे हैं। और इस आनंद में आज मेरे साथ जुड़ गए हैं 20 खास मेहमान। दानिशमंद हैं, बुद्धिजीवी हैं और चार नेता भी, पन इंटेंडेड। और आज हम चर्चा करेंगे कि हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं और चुनौतियां क्या हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बुराइयों का भी जिक्र किया, और वो बुराइयां क्या हैं? एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद, तीसरा तुष्टीकरण। और ये शब्द आने वाले 8 महीने बहुत गूंजने वाले हैं, क्योंकि ये चुनावी साल भी है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तीसरा काल और दे दीजिए, तीसरी टर्म और दे दीजिए, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा दुनिया की, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज हम हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं थोड़ा और वक्त भी दीजिए। और जो प्रधानमंत्री भाइयों, मित्रों, देशवासियों कहकर आपको मुझको संबोधित करते थे, आज उन्होंने 140 करोड़ परिवारजनों का जिक्र भी किया, पूरे देश को अपना परिवार बताने की भरपूर कोशिश की है। 90 मिनट बोले प्रधानमंत्री मोदी, और वो क्या बोले, उसकी अहमियत क्या है, मायने क्या है, और बहुत सारी डिटेलिंग में मैं जाने वाला हूं। लेकिन पहले मेहमानों का परिचय करा दूं। दिबांग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 800 साल पुरानी जो हमारी सूफी परंपरा है उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। हाजी इकबाल, साबरी ब्रदर्स की जो परंपरा है उसको और मजबूत कर रहे हैं। नौशाद भाई मेरे साथ हैं। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। आशुतोष मेरे बॉस भी रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर एमसी मिश्रा निदेशक रह चुके हैं एम्स के। मेजर जनरल संजय मेस्टन रिटायर्ड, एंड मेजर जनरल यश मोर रिटायर्ड, 2 वेरी प्राउड सोल्जर्स। जेएस राजपूत साहब है मेरे साथ, एनसीईआरटी के निदेशक रह चुके हैं। माहिरा खान यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए। साथ ही साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अभिमन्यु कुहाड़ युवा चेहरा किसान आंदोलन के, जो 378 दिन चला, 750 किसानों की मौत भी हुई थी। किसानों का भला कितना हुआ इस पर थोड़ा और ज्ञान देंगे। देवेंद्र शर्मा फॉरमोस्ट एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इन द कंट्री। हम 370 की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरी पंडित के दर्द की बात करेंगे, और ललित अंबरदार से बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता। और महिलाओं की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और अब लखपति बनेंगी दीदी वो योजना भी चल रही है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाला देश जब यौन उत्पीड़न की बातें आती हैं तो चुप्पी क्यों साध लेता है, और पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठने को मजबूर होना पड़ता है, और अपने मेडल गंगा में विसर्जित करने की धमकी भी देनी पड़ती है। जगमती सांगवान मेरे साथ हैं, एंड दीपक वोहरा डिप्लोमैट एंकर, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और ये 2047 जो लक्ष्य है हमारा उसे अपने सीने पर गर्व से चस्पा भी कर रखे हैं। योगिता हमारे साथ हैं भयाना, और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। यशोवर्धन आजाद
one of the finest police officers we have in the country. आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं अभय दुबे, इनसे बहुत कुछ हमने सीखा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इधर युवा चेहरा बीजेपी के शिवम त्यागी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड, एके वाजपेयी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के हनुमान बने घूमते थे मोदी के, अब बाकायदा उनकी टीम में शामिल हो गए हैं, एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। और राजीव जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के। लेकिन शुरू दिबांग आपसे, राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, मोटी तस्वीर आपकी निगाह में आज की सुबह की हेडलाइन क्या? देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे मैं थोड़ा सा तिरछा जा रहा हूं, इसलिए आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार बात की युवाओं की और किस तरह से भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप युवाओं की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात होती है, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं क्योंकि मुझे आंकड़ों पर काफ़ी भरोसा रहता है और ये भरोसे वाले आंकड़े हैं कि 1964 से 66 में एजुकेशन का रिव्यू हुआ, एक कमीशन बैठा, उसने रिव्यू किया और उसने कहा कि जो शिक्षा पर खर्च है वो 6% जीडीपी का होना चाहिए। 2020 में मौजूदा सरकार ने भी इसी बात को कहा और हम लोग कितना खर्च करते हैं शिक्षा पर आप जानते हैं, 7.6 लाख करोड़ हम लोग खर्च करते हैं जो कि जीडीपी का 2.9% है। और ऐसा नहीं है कि नहीं खर्च हो रहा है, ब्राज़ील में 6%, आप साउथ अफ्रीका चले जाइए 6.6% जीडीपी का शिक्षा पर खर्च होता है। आप युवाओं की बात करते हैं और शिक्षा पर बात नहीं करते हैं तो माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी, नींव कमजोर रह जाए। जी बिल्कुल, और चूंकि आप मुझे समय दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं, आप $3.5 trillion की इकोनॉमी है और आपके देश में युवाओं की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, 19% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, यानी 2.2 करोड़ बच्चे आज इस देश में कुपोषण का शिकार हैं। तो आप जरूर वादे कीजिए लेकिन ये सच्चाइयां हैं। और भी दुख जमाने में जब उन्होंने कहा था, आपने फैज का नाम लिया, तो उन्होंने भी क्या ये उन्होंने क्या कहा कि लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। आप जरूर हमें अच्छे सपने दिखा रहे हैं लेकिन सच्चाइयां ये भी हैं। और आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि ये चुनावी साल है और अगर आप उनका 2018 का भाषण देखें, करीब करीब उसी तर्ज पर ये भाषण रहा। और तीन बड़ी बातें जो जिसका उल्लेख आपने भी किया, रोमाना भी पहले कर रही थी, कि करप्शन, इस पर देखिए करप्शन की जब बात होती है तो बहुत लोग घिरते हैं इसमें, बहुत लोग विपक्ष भी बहुत के पास भी आए। हरिशंकर परसाई, उनकी पुण्यतिथि थी, उनकी एक फेमस लाइन का जिक्र किया था कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो तथाकथित होती है ये दरअसल मनोरंजन है, राजनीतिक पार्टियां जैसे कबड्डी खेली जाती है उस पर खेलते रहते हैं, इससे निरर्थक आंदोलन कोई हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, और इस पर देखिए कितने 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 दल अब इस रंग में रंग जाते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है, लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री उसको मोड़ेंगे वो हमने आज देखा। चुनावी साल है तो बात हुई परिवारवाद की, परिवारवाद आप एक बार फिर से बोल के देखिए तो आपको वो सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन पर उनको हमला करना है। और फिर तुष्टिकरण बहुत साफ है, किस तरह की राजनीति आने वाले कुछ महीनों में चुनाव से पहले होने वाली है उसका खाका खिंच गया है। पर यहाँ पर दिबांग ने एक अहम बात कही रामकृपाल सिंह, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं लाइबिलिटी ना बन जाए, सपने देख रहे हैं और क्यों ना देखें और विश्वगुरु बनेंगे लेकिन साथ में चुनौतियां। आपने फैज का एक शेर पढ़ा, मैं एक फैज की ही लाइन कहूंगा और एक शलभ श्री राम सिंह का जिन्होंने लिखा था नफस नफस कदम कदम, उनका भी एक शेर, दो शेर पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। फैज ने लिखा है कि फैज की राह सरबसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। और शलभ श्री राम सिंह का है कि मुश्किलें ही मुश्किलें हैं राह मंजिल में यहां, हौसले ही हौसले हैं आजमाने के लिए। क्या बात है, आज जन्मदिन है, वो आजादी का हो या किसी का हो, इसलिए तमाम तरह की बहुत जैसे लिखा है ना हमारे एक शायर ने कि इतनी बुरी नहीं है दुनिया, डिस्पाइट दैट ट्रेमेंडस ऑड्स, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन देयर इज होप।
और आज मैं एक बात कह रहा हूं कि पूरे भाषण का अगर आप उस पर जिक्र करें, ठीक है, तमाम तरह से हम एनालिसिस करके उसका निगेटिव दे सकते हैं, बट अगर कोई भी हो, चाहे वो संत हो, सिपाही हो, कोई भी हो, अगर वो कहता है कि देर इज होप, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद और सामर्थ्य का भी जिक्र किया। वही 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 मैं कह रहा हूं, पहली बार दो शब्द जिसके लिए मैं मोदी को इसलिए कह रहा हूं कि जो कल्चरल चेंज हुआ है हिंदुस्तान में, आप जानते हैं पद्म पुरस्कारों में से लेकर के आज जो 1800 लोग आए थे, जरा इनका करैक्टर देखिए। डिग्निटी ऑफ लेबर को अगर किसी ने इस्टेब्लिश किया है तो वह नरेंद्र मोदी ने। आज जान 15,000 करोड़ रुपए अब खर्च होंगे विश्वकर्मा योजना पर। नहीं, वो तो बाद में आ रहा हूं, वो तो पॉलिटिक्स पर हो गया। मैं जिस बात को कहने जा रहा था कि सबसे पहले कम्युनिस्ट देशों ने यह शुरू किया था कि श्रम की महत्ता, यानी वहां एक वेटर को ज्यादा तनख्वाह मिलती थी चाइना में मैनेजर से। जब यहां पर मजाक उड़ाया जाता था कि ये तो श्रमिक है, श्रम योगी, और आज आप देखती है सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा हम माड़ा को आखिरी गांव मानते थे, मोदी ने कहा वो पहला गांव है। और आज बॉर्डर के जितने गांव आए हैं लोग, मोदी ने आज भी कहा कि वो पहला गांव है, हमारा आखिरी गांव नहीं है। ये होता है सोच का, या आइंस्टाइन की तरह E=mc² की बात है। माड़ा वही है जहां था, लेकिन हम उसको आखिरी गांव कहते थे। सोच में बदलाव की बात। मैं आगे आ रहा हूं, आप ये देखिए पद्म पुरस्कार, नंगे पैर एक महिला जाती है और पद्मश्री लेती है, इसके पहले नहीं। मेरा इतना कहना है कि डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की प्रतिष्ठा अगर इस देश में हो रही है, चाहे जो भी कर रहा है, देर या सवेर, आप देखिए उसमें कितने आए हैं। जिन्होंने संसद बनाई थी, नई बनाई है, उसमें से 50 वहां पर हैं, नर्सेस हैं, बॉर्डर से आए लोग हैं। तो ये जो बात होती है ना, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव लेबर, उत्पादक श्रम से जुड़ा हुआ जो हमारा 80% आबादी है, उसकी इज्जत, डिग्निटी, डिग्निटी, उसकी इज्जत, डिग्निटी, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, श्रम की प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर अगर किसी ने स्थापित की है, वो 10 काम खराब कर रहा है, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में श्रम की प्रतिष्ठा, किसान, मजदूर, माओ से तुंग ने कहा था कि तुम्हारी कलम से न गेहूं पैदा होता है ना फौलाद, फिजिकल लेबर को इंपॉर्टेंस दो। तो यहां पर डिग्निटी ऑफ लेबर की बात है, यस वी कैन मूवमेंट की एक उम्मीद, सपना लो और वो अचीव भी कर सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं राष्ट्र के नाम इस संदेश को? 10वां संदेश, मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड बराबर किया, जवाहरलाल नेहरू 17 बार संबोधित किया था और इंदिरा गांधी ने 16 बार। देखिए संदीप, आज जिस हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका वो ये जरूर कह रहा होगा, क्या हुआ जो किसी ने मेरे होठ सी दिए, मैंने जंजीर के छल्लों को जुबा दे दी। अच्छा रहना हो गया है माहौल। नहीं, ये आज की हकीकत है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं उस जमीन पे कितना उतरता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में हो, रूल ऑफ लॉ खतरे में हो, और मुझे लगता है कि रामकपाल जी ने शायद एक्सीडेंटली कहा होगा 80% आबादी की बात हो रही हो, तो हम और आप कैसे सो सकते हैं? जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, पिछले 3 महीनों के अंदर हुआ, मणिपुर में हुआ, क्या उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोल सकते थे? नहीं, आज भी बोले हैं कि समाधान ढूंढेंगे, शांति की अपील भी की है। इसीलिए मैंने कहा जो वो कहते हैं मैं उस पर कभी नहीं जाता, मैं उस पर यकीन ही नहीं करता। क्या करते हैं इस पर यकीन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर जब इसी तरीके से पंचायत होती है और वहां पुलिस कहती है कि मैंने इजाजत नहीं दी, उसके बावजूद वहां हाथ काटने की बात की जाती है, एक पूरे के पूरे समुदाय को पूरी तरीके से आप इकोनॉमिक बायकॉट की बात करते, खुलेआम करते हैं, मोहल्ले मोहल्ले गली गली इस तरीके की रैलियां निकलती हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को उन 20% आबादी की चिंता नहीं होती? क्या उसके बारे में नहीं सोच सकते? सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जब आप डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी
और डायवर्सिटी की बात करते हैं, आपको यकीन कितना है डेमोक्रेसी के ऊपर? पर वो तो बराबरी की बात कर रहे हैं कि तुष्टीकरण बुराई है देश। मैंने कहा अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको डेमोक्रेसी में यकीन कितना है, आपको डायवर्सिटी में यकीन कितना है? आज तमिलनाडु से पूछिए ना, आज आप बंगाल से पूछिए ना, आज आप महाराष्ट्र से पूछिए ना, पंजाब से पूछिए कि आपको डायवर्सिटी में कितना यकीन है। क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बिना अल्पसंख्यकों को चलेगी? क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बिना जो रीजनल एस्पिरेशंस उनको चलेगी? बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान काम है। वो हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स करते हैं, वहां पॉलिटिक्स ऑफ सब्सटेंस मिसिंग है। और प्रॉब्लम इसी बात को लेकर यह है कि जो कहते हैं डेमोक्रेसी की बात, उस पर कितना यकीन है आपको, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार के ऊपर? अगर है यकीन तो जिन लोगों ने नूह किया है दोनों समुदायों के खिलाफ, उसी मजबूती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो कुछ भी मणिपुर में हुआ, एक डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर उसको होने कैसे दे रहा है, एक इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर बैठा वहां वहां कैसे है, और आप उसको हटाने की, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर बाकायदा नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया, कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है वहां पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। और हमारे देश के गृहमंत्री कहते हैं वो हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं, यानी जो भी मुख्यमंत्री कॉपरेट करेगा वहां कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, वह किलिंग फील्ड्स बन जाए, हम उस सरकार को साथ बनाकर रखेंगे। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर, अच्छी बातें करते हैं आप, लेकिन अच्छी बातें आपने तब भी की थी जब आपने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 में हो जाएगी। हुआ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? कोविड आ गया आशुतोष, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गोता खा गई। अच्छा आपने सवाल किया, कोविड के पहले दिसंबर से मार्च 2019 का जो क्वार्टर था उसमें भारत की अर्थव्यवस्था 3.7% पे थी, बाद में 3.2 बल्कि रिवाइज एस्टिमेट 2। तो ये जो मेसअप आपने इकोनॉमी को किया था उसके लिए कोविड ने आपको बहाना दे दिया। जिस तरीके से आपने डिमोनेटाइजेशन के जो 150 लोग लाइन में खड़े होकर मर गए, कभी उसके लिए एक शब्द बोला गया? जो लॉकडाउन में जितने लोग बाहर निकले, क्या उनके लिए आपने क्या कहा? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला गया? उस पर आते हैं हम, उसके लिए हमारे पास अर्थशास्त्री हैं और वो और बेहतर इस बात को समझा पाएंगे। लेकिन आशु कह रहे हैं राकेश भाई कि कथनी और करनी में समन्वय होना चाहिए, जो बात अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ताल ठोक कर कहते थे। जी बिल्कुल, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि 2014 में उन्होंने गांव से शुरुआत की और गांव विकास की बात करते करते अब वो भारत को विश्व पटल पर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने इस 15 अगस्त के भाषण में लाल किले से पूरे 9 साल का हिसाब किताब प्रस्तुत किया है, और 9 साल के हिसाब किताब को प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने आगामी यानी 2024 से 28 तक का अपना पूरा ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यदि छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की यदि वो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भ्रष्टाचार, परिवादवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ ठोस कदम उठाने का एक मानस है, और मुझे लगता है वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, अब एक उपभोक्ता एक न्यू मिडिल क्लास बनेगी, खर्च भी वो ज़्यादा कर पाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, और जो एक लाभार्थी जाति उन्होंने खड़ी कर दी है, जनधन योजना 2014 में शुरू हुई वो 49 करोड़ लगभग खाते आ गए, 11.5 करोड़ शौचालय बन गए, तो इन चीजों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती निश्चित तौर पे। और उन्होंने जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहे हैं वो, और डायरेक्ट बेनिफिट में अभी एक आंकड़ा आया था जिसमें कहा गया कि जनधन योजना खुलने के कारण जो गलत हाथों में धनराशि जाया करती थी वो अब सही हाथों में पहुंच रही है, और उससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए का जो गड़बड़ झाला हुआ करता था उसमें सुधार हुआ। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे 80,000 लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा इस भारत में, हम आप सब लोग पत्रकारिता में 81 करोड़ और ये सब देखा करते थे कि बहुत सारा अनाज व्यवस्थापन नहीं होने के कारण 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज की जरूरत है वरना भूखे पेट सोएंगे। देखिए इसमें दो तरीके की थ्योरी है, यदि देश प्रगति कर रहा है और 140 करोड़ की आबादी यदि प्रगति कर रही है तो उसमें 81 करोड़ लोगों को अनाज देने की आवश्यकता नहीं है, एक थ्योरी तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि आप उस वर्ग को ये धन दे रहे हो जिस वर्ग को आवश्यकता है, तो ये दोनों थ्योरी लेके देश में अलग अलग बातें हो रही हैं। हम यदि दोनों थ्योरी को अलग कर दें तो कम से कम इस देश में जो अनाज सड़ जाया करता था उसका कम से कम उपयोग तो हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा ही ना पहना दो, सड़ेगा भी नहीं और किसान भी भूखों नहीं मरेगा, 27 रुपए प्रतिदिन नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेके बहुत सारा विवाद हो चुका है, उसी को लेके एक बड़ा आंदोलन इस दिल्ली में इस देश में। विवाद क्या, 2011 में जब प्रधानमंत्री
चेयरमैन थे वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि जामा पहनाओ, 9 साल में नहीं पहनाया। पर मैं वही कह रहा हूं कि इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेके अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं, और इसी बात को लेके एक बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ और उसके चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा किसान आंदोलन को लेके। तो मुझे लगता है ये आप जो विषय उठा रहे सच्चाई है कि जब आप सत्ता, किसान नेता भी हैं हमारे साथ, आप किस तरह से आंकते हैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश? देखिए, हर सत्तारूढ़ नेता एक फील गुड नैरेटिव चलाता है और उसकी तरह तरह की मीडिया का सहारा लेकर तरह तरह की टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री इस काम में उन्हें महारत हासिल है। ये खुशनुमा कहानी सुनाते हैं, ये लगातार पिछले कुछ दिनों में 3 लंबी खुशनुमा कहानियां हमने सुनी हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव पर गृहमंत्री का भाषण, फिर जो 2 घंटे से ज्यादा लंबा था, फिर 2 घंटे से ज्यादा लंबा प्रधानमंत्री ने दिया, अभी 15 अगस्त का भाषण। आप देखिए प्रधानमंत्री, इन सारे भाषणों में बहुत सी चीजें एक सी हैं, सब एक सी ही बात कही है, अगला चुनाव जीतने का दावा भी मौजूद है इसके अंदर। सवाल यह है कि इस खुशनुमा कहानी में क्या हम लोग बह जाएं और उसकी असलियत की तरफ कोई ध्यान ना दें? अब देखिए, मैं जब 10वें 11वें पर इसमें हम क्या नकारात्मक ज्यादा हो जाते हैं? ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए कि नहीं? जरूर, जरूर, देश में ऊर्जा, एक आशा, एक उम्मीद की किरण क्यों ना जगाई जाए? मेरा कहना है कि देश में आशा और उम्मीद की किरण जगाना एक बात है और फील गुड नैरेटिव चलाना बिल्कुल दूसरी बात है। फील गुड नैरेटिव हमेशा जो विफलताएं हैं उनको छिपाने के लिए चलाया जाता है। अब देखिए, जब मैं 10वें 11वें में पढ़ता था, एक फिल्म आई थी 10 लाख, तो उसमें एक गाना था, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, भिखारी गा रहा है उसके अंदर। यहां प्रधानमंत्री क्या लेके आए हैं? वो कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाएंगे। अब आप जरा इसको 1 सेकंड के लिए डिकोड कीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स लगाइए उसमें। इसका मतलब है कि वो गांव की औरतों को 8,000 रुपए महीने की आमदनी का, 8,100-200 रुपए महीने की आमदनी का भरोसा दे रहे हैं, यही दे रहे हैं। इसका मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि हिंदुस्तान एक लो इनकम कंट्री है, लो इनकम कंट्री है। आप ये दावा करते रहे कि हम ब्रिटेन के बाद, ब्रिटेन से आगे निकल गए हैं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, प्रति व्यक्ति का आय के मामले में हम 142वें नंबर पर, कह रहा हूं, और हम आगे आगे तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। ये सब व्यर्थ की बातें हैं एक तरह से देखा जाए तो। आंकड़ों व्यर्थ कैसे? 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी तो बने ना। अरे नहीं, ये जो जहां से ये आंकड़ा निकल के आता है, उन संगठनों को भी भारत सरकार ही आंकड़े सप्लाई करती है, उन संगठनों के। अभी प्रोफेसर अरुण कुमार आपको बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, अपने आंकड़े उनके नहीं होते हैं उनके पास, भारत सरकार जो आंकड़े देती है, और भारत सरकार के आंकड़े सारे अर्थशास्त्री जानते हैं कि वो संदिग्ध हैं। जो GDP का आंकड़ा आता है वो भी संदिग्ध है, जो बताया जाता है आप 2% उसमें से कम कर लीजिए तब वो GDP निकलता है। तो ये आरोप सरकार पर लगता है, नो डेटा गवर्नमेंट है। पर दीपक वोरा, वर्ल्ड बैंक, IMF, रेटिंग एजेंसीज, अगर वो इतने बुलिश हैं इंडिया को लेकर, तो सिर्फ ये कह देना वो जी हमारे आंकड़ों को देख के ही बुलिश हो जाते हैं, इतना आसान, इतना सरल भी नहीं होता है। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर आने का, एंड यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स, सो थैंक यू वेरी मच। और ये भारत की शान जो यहां बैठी है, यू जस्ट मेड माय डे। पैसे भी नहीं लूंगा, मुफ्त में बोल दिया। नहीं, मैं तो खुद इनसे कहूंगा थोड़े मेरे भी। और ये जो भारत की शान बैठी हुई, आप अपने लिए ताली बजाइएगा। सर, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स में डील करता हूं, डोमेस्टिक इश्यूज पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आई एम अ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, ये जो फिगर्स आ रहे हैं ये 120% एक्यूरेट हैं। आपके सहयोगी ने जो कुछ कहा, आई रिस्पेक्ट हिम ग्रेटली, मैं विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक अगर आप मौका दें तो वी कैन अग्री टू डिसएग्री, वी कैन ऑल्सो डिसएग्री टू अग्री, देयर शुड बी नो डिफिकल्टी। मैं 3 अफ्रीकी देशों में वहां की सरकारों का विशेष सलाहकार हूं। आपको ये मालूम है कि G20 के हम प्रेसिडेंट हैं, लेकिन PM साहब बोले कि मैं सिर्फ G20 का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, G200 का हूं, जितने विकासशील देश हैं सबकी आवाज उठाऊंगा। उन्होंने किया है, जनवरी में मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग, G200, 125 कंट्रीज रिप्रेजेंट किए, तीनों देश जहां मैं काम करता हूं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद तीनों ने मुझसे एक चीज कही, मिस्टर एम्बेसडर, इंडिया इज आवर चॉइस एज अ पार्टनर। मैंने जवाब दिया, यही है राइट चॉइस बेबी। क्या बात है, मैं अभी आगे आता हूं। ऐसी बढ़िया लाइन दीपक वोरा साहब ने दी है कि वी आर द राइट चॉइस। देश आजादी का जश्न मना रहा है और आप देख रहे हैं ABP न्यूज की खास पेशकश, 24 खास मेहमान हमारे साथ। देश का डंका बज रहा है, दुनिया में चुनौतियां भी हैं, लेकिन जो
दुनिया हमारा डंका बजा रही है वो 140 करोड़ की जनसंख्या के चलते बजा रही है, या हमारे अंदर जो काबिलियत है, वो जो कुव्वत है देश की, उसको भी वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके भागीदार बनना चाहते हैं। जितने करोड़ों लोग आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बता देता हूं, एक अमेरिकन डिप्लोमेट है एलिस आयरिस, उन्होंने किताब लिखी है आवर टाइम हैज कम, किस तरह से भारत अपनी जगह बना रहा है दुनिया में। अमेरिकन डिप्लोमेट ने लिखी है, मैंने पैसे नहीं दिए उसको लिखने के लिए। और एक चीज आपको बहुत जल्दी बता देता हूं, चाहे आप सुने, ये 2047 का जो मैंने पिन पहना हुआ है, आपने इसका जिक्र किया था, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। बच्चों से पूछो आप इंतजार करोगे 2047 तक का, उससे पहले बना दोगे हमको? देखिए सब कह रहे हैं उससे पहले बनाएंगे या इंतजार करोगे? पहले वाले कितने हैं जरा हाथ खड़े कीजिए। तो हाँ, मैं आपसे और क्या कह रहा था सर, और फाइनली एक चीज कहना चाहता हूं कि सर हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, आई डील विद इंटरनेशनल अफेयर्स, आने वाली दुनिया में तीन वर्ल्ड ऑर्डर्स होंगे सर, यूनिपोलर मल्टीपोलर ये सब भूल जाइएगा, एक होगा मिलिट्री वर्ल्ड ऑर्डर जिसको डोमिनेट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, भले ही अफगानिस्तान में पिटपुट जाते हैं लेकिन फिर भी ताकत बहुत है, दूसरा होगा इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया एंड जापान, और चौथा सबसे बड़ा होगा डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें 50 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस एवरीडे आपका देश भारत करता है, 100 करोड़ स्मार्टफोन आपके देश भारत के हैं, 117 करोड़ और अब 117 करोड़ स्मार्टफोन, और सर 3/4 आपका जीडीपी डिजिटल स्पेस से आता है, बताइए कौन राज करेगा दुनिया पर? पर इसमें वो डिजिटल जो वर्ल्ड की बात करते हैं ना, और सबके पास फोन है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी खुल गई है, इससे थोड़ा बच के रहना, ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो सपने दिखाए जा रहे हैं और दुनिया उनमें बिलीव कर रही है, कुछ लोगों का मानना है प्रधानमंत्री मोदी सपनों के सौदागर हैं, पर सपना नहीं देखोगे हकीकत में कैसे तब्दील होगा, हकीकत आपकी निगाह में क्या है? देखिए प्रधानमंत्री आशा दे सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। हमने 9 साल में देखा बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए, कितने जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, कितना एग्रीकल्चर में इनकम बढ़ेगी, लेकिन वो सपने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसीलिए बहुत लोग समझते हैं कि ये चीज़ें जो प्रधानमंत्री कहते हैं उस पर उतना वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, और मुझे ये लग रहा है कि जो अभी आज का रोड मैप उन्होंने दिया 2047 तक का, वो भी किस तरह से रोड मैप होगा उसको दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप देखें तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पैंडमिक के पहले ही 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में हो गई थी। आपने जिक्र किया कि जो हमारा अर्थव्यवस्था का बढ़ने का ग्रोथ रेट था वो 3.2% पे आ गया था, पैंडमिक के पहले ही आ गया था। 19 करोड़ लोग, तो आप ही की स्टडी है, 19 करोड़ लोगों ने तो नौकरी ढूंढना छोड़ ही नहीं दिया, उन्होंने आस ही छोड़ दी है। तो एक तरफ तो उन्होंने आस ही छोड़ दी है, और 28 करोड़ हैं जिनके पास ढंग का काम नहीं है। इसका मतलब है कि 32 करोड़ लोगों को 140 करोड़ को सपोर्ट करना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को 4 लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए फैमिली पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। और प्रधानमंत्री ने खुद ही बताया है कि अभी जो ई श्रम पोर्टल जो सेटअप हुआ है उसमें 28 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है, जिसमें से 94% ने कहा कि हमारी आमदनी 10,000 रुपये से कम है। अब आप समझें कि 10,000 रुपये से कम पे परिवार कैसे चलेगा, और जो अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक की जो हमारी प्रति व्यक्ति आय तो 1,72,000 रुपये हो गई है, पर उसमें क्योंकि जो एवरेज होता है तो एक तरफ बहुत अमीर हैं और अति अमीरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी तरफ जो गरीब हैं उनमें शिफ्ट रिकवरी हो रही है। जी हाँ, संघर्ष क्षेत्र बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं। जो हमें चमक दमक दिखाई दे रही है, जो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, वो इन 6% की वजह से बढ़ रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन इसकी वजह से हमारा जीडीपी गड़बड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी जो असंगठित क्षेत्र से 30% आता है उसको हम नापते हैं संगठित क्षेत्र की बढ़त से, तो जो सेक्टर गिर रहा है उसको हम मान लेते हैं कि वो बढ़त पे है। इसीलिए मेरा मानना है कि अभी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुए, अभी हम 8वीं या 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो तीसरी अर्थव्यवस्था भी नहीं बनेंगे 5 साल के अंदर। तो मेरा मानना चुनौतियों का संज्ञान लेने की जरूरत है। ललित भाई, मैं कश्मीर पर तो आऊंगा ही, जो आपका पसंदीदा टॉपिक है, और मेरी संवेदनाएं और मेरा दर्द भी, मैं आपका दर्द साझा करता हूं, लेकिन जो ये चुनौतियों की बात करते हैं, देखिए दो नैरेटिव चल रहे हैं, एक तो मानो भारत की गुलाबी तस्वीर है और एक तस्वीर बिल्कुल स्याह काली, हकीकत क्या है?
आपकी इस पंचायत में हमारे अलावा यहाँ पे ये जो लोग बैठे हैं, जैसे बताया एम्बेसडर साहब ने, ये हमारा भविष्य है, क्या आप इनको बताएंगे? रामकृपाल जी ने बड़ा अच्छा शुरू किया, होप। अब देश किस आज किस 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 उम्मीद पे चलता है? उम्मीद पे चलता है ना, ऑप्टिमिज्म पे चलता है। अगर हम सारे नकारात्मक करेंगे, उसमें तो एक है, एक तो आइडियोलॉजी प्रेरित है नकारात्मक, और दूसरा आपका पॉलिटिक्स इंस्पायर्ड है आपकी। ऑप्टिमिज्म भी क्या आइडियोलॉजी बेस्ड है, उसकी दूसरी। सर मेरी मेरी मैं नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनका बहुत बड़ा क्रिटिक भी हूँ। मैंने जब वो बने थे, और मैं समझता हूँ कि हम जैसे कई लोगों ने, आप जैसे कई लोगों ने नरेंद्र मोदी की जर्नी जो गुजरात से दिल्ली तक हुई, उसमें पार्टिसिपेट किया है। मैंने पहले दिन से कहा था नरेंद्र मोदी हम में से निकला हुआ एक आम आदमी है, तो उसकी 5 साल इंतजार मत कीजिए, उसकी उसका उसकी उसकी जो क्रिटिसाइज करने, उसकी उसको वैल्यूएट करने के, हर दिन उनकी उनके उनकी उनकी उनका अनुमूलन कीजिए हर दिन, और उनको बताइए जो आपने जो किया ठीक किया या नहीं किया। लोकतंत्र की खूबसूरती जवाबदेही है, हमने चुन के भेजा है तो जवाब तो पूछेंगे। क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आप जब क्रिटिसिज्म नफरत की जात पे लेके आते हैं, तो आपको लगता है कि आपको नरेंद्र मोदी से नफरत होते होते आप हिंदुस्तान से, हिंदू से नफरत करते जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि ये इन नौजवानों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने एक बार नहीं दो दो बार चुना है, और पूर्ण बहुमत वो शब्द गलत हो जाता है, पर बहुमत की सरकार, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो दो तिहाई होती है। पर अगर हम कश्मीर की बात करें, 4 साल से ज्यादा हो गए अनुच्छेद 370 हटे हुए, वहां पर अभी तक ना तो जमहूरियत कायम हो पाई, यानी कि चुनाव नहीं हुए, और कश्मीरी पंडित जिनका दर्द देश ने भी कहीं भुला दिया था, क्या उनमें वो भरोसा, वो एतबार कायम हो पाया? कितने वहां गए या वहां जो बैठे हैं वो कहें हम तो दोजख में फंसे हुए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के, बीच में अटके हुए हैं क्या कश्मीरी पंडित? एक तो आपने कश्मीर की तो बात की, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, कश्मीरी हिंदुओं का आप एक भेद बकरियां मत समझिए, कि जिहादियों ने एक दिन सोचा कि इनको यहां से निकाल दिया। अब भारत के बुद्धिजीवी इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन कश्मीरी हिंदू वहां क्यों नहीं गए। देखिए ऐसा है, हम लोग वहां से अपनी मर्जी से नहीं निकले, वहां पे हमको निकाला गया, एक जेनोसाइडल एथनिक क्लीजिंग हुई है, और उस एथनिक क्लीजिंग के जो टूल्स थे वो रेप, मर्डर और मास मर्डर, आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं। अभी बहुत बातें होती है, मेवात में ये हुआ, मणिपुर में ये हुआ, गुजरात की चर्चा तो अभी तक होती है। SM सहाय जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रह चुके हैं हाल ही तक, और केंद्रीय एजेंसी में भी रह चुके हैं, ये नॉर्थ ब्लॉक के लिए भी मैं ये बता रहा हूं जो आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने अभी एक ब्लॉगर को इंटरव्यू दिया, बहुत बड़े पॉपुलर ब्लॉगर हैं, और तो हमारे मंत्री भी उन ब्लॉगर को जाकर इंटरव्यू देते हैं। उन्होंने वहां पर कहा कि उनको द कश्मीर फाइल से प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि उसमें कश्मीर के मुसलमानों को डिमोनाइज किया गया, लेकिन साथ ही ये बताते उसमें क्या दिखाया फिल्म में, इससे तो खतरनाक वारदातें हुई हैं। तो उन्हें एक वाक्य का उन्होंने उल्लेख किया, आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसे गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि क्रालखुर्द श्रीनगर की एक सेंट्रल लोकेलिटी है, डाउनटाउन में, मेरे घर से थोड़ी सी दूर, कहते सुबह सुबह मुझे फोन आया और मुझे वहां पर कॉल पर जाना पड़ा, वहां पर इंसिडेंट हुआ था। हुआ क्या था, एक माँ और बेटी दोनों का बलात्कार किया गया था, और दोनों को वेजाइना में गोली मार दी गई थी, और उसी बात ये बोलते हैं कि इन स्पाइट ऑफ दिस वायलेंस कश्मीर का आवाम इस मूवमेंट के साथ है। और साथ में उसी इंटरव्यू में बोलते हैं जो कश्मीर की जो जिहादी मूवमेंट है उसको तुलना करते हैं भारत की इंडिपेंडेंट मूवमेंट के साथ। तो अगर ये नॉर्थ ब्लॉक के अंदर ये विचार है जो कश्मीर की व्यवस्था चला रहे थे, तो मैं समझता हूं कि अगर कश्मीर जात हिंदुस्तान को अभी तक ब्लीड कर रहा है तो ये कोई उसमें हैरान की नहीं है। पर इसी में एक मिनट ललित भाई, अभी आ रहा हूं, बहुत वक्त है हमारे पास। मणिपुर की भी चर्चा अगर हम ना करें तो पूरा संदर्भ बेमानी हो जाता है, क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है उस पर क्या चुप्पी साधी जा रही है, या मणिपुर का समाधान निकलता दिखेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव में भी ये बात कही जब जवाब दे रहे थे, और आज लाल किले से भी कहा। शिवम, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और बिना समय व्यर्थ करते हुए, क्योंकि काफी देर बाद मौका मिला है, तो मैं सीधा पॉइंट पर ही आऊंगा। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में 1993 में क्या 15 अगस्त नहीं हुआ था? इस देश में क्या 1993 में देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले थे लाल किले से? इस देश में 1993 कह लीजिए या 2017 कह लीजिए, उस समय में इस देश के होम मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे क्या? प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे? कोई एक शब्द भी बोला क्या? मैं 5 साल का जरूर था, लेकिन इस साइड और इस साइड बैठे हुए लोग तो आराम से 40-50 साल के होंगे।
पूछे जरा कि इन्होंने कोई सवाल पूछा? नहीं पूछा। अब शेर व शायरी से लगातार चीजें शुरुआत हो रही हैं, तो मैं उसी से शुरू करना चाहता हूं कि जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली और चांद सूरज घर के रोशनदान में बैठे रहे। आप बैठे रहिए निराशा में, हमें तो नहीं रहना है कम से कम। अब आप देखिए, इस तरफ के लोग और इस तरफ के लोग, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चेन से बंधे हुए मग्घे वाली ट्रेनों में बिता दी। हम वंदे भारत में चल रहे हैं, लेकिन इनको बदलाव नजर नहीं आता। कहते हैं बदलाव नहीं हुआ हिंदुस्तान में आज भी। अब तीन अलग अलग सवाल सरकार से पूछे गए। अच्छा, एक चीज शिवम, और तालियां बजा रहे हैं युवा, बदलाव 2014 से पहले नहीं हुआ करते थे क्या? ये बदलाव 2014 के बाद ही शुरू हुए? बदलाव एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलता रहता है, लेकिन उस बदलाव का हिस्सेदार और साझेदार मैं और आप दोनों हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही जिले से आते हैं। संदीप चौधरी और शिवम त्यागी ने यहाँ नोएडा से बड़ौद जाते हुए पूरी जिंदगी बिता दी। गड्ढे इतने बड़े बड़े थे, कार ही खो जाती थी उसमें। आज बिल्कुल अच्छी सड़क पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? 2014 से पहले 13 किलोमीटर पर डे ये देश सड़क बनाता था, आज अगर 34 बनाता है, तो बदलाव की रफ्तार देखिए। अब तीन चार सवाल जो छोटे छोटे हैं, उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। 45 सेकंड में, 45 में नहीं होगा, थोड़ा और देना। चलिए थोड़ा और। दीवान जी ने कहा कि मैं तो डेटा पर जाता हूँ, और मैं सम्मान करता हूँ उनका, मुझसे बहुत बड़ा है, मैं देख देख कर उनको बड़ा हुआ हूँ। मैं भी डेटा पर ही जाता हूँ। वो जिस समय की बात कर रहे हैं ना, वाकई इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसी में पैसा ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन मैं भी डेटा पर ही बात कर रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम ही लेकर आए हैं, और जिस समय की आप बात कर रहे हैं ना, उस समय में इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि अगर 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे जाते हैं। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 260,000 करोड़ देश के किसानों को आज दिया है ना, अगर उनकी सरकारों में दिया होता तो वो सिर्फ 37,000 करोड़ ही जाता, बाकी सब चला जाता भ्रष्टाचार में। ये फर्क है। अब मैं आगे आना चाहता हूं भ्रष्टाचार में। एक सेकंड, भ्रष्टाचार की जब तो सवाल रुकिए ना, वो अजित पवार, चक्की, पी सिंह नेचुरली करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, भ्रष्टाचार, खजाने की चाबी दे दी, वित्त मंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। कमाल की बात ये हो गई है कि एक आदमी अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ, उसकी टेस्टमनी इनकी हो गई है, लेकिन लालू प्रसाद जो भ्रष्टाचार में करप्ट होकर कोर्ट से बैठे हैं उस पर बात नहीं करते, उनको साथ लेकर खड़े हुए हैं। मुझे अब उनको जवाब देना। हाँ हाँ, प्लीज। अब 30 सेकंड्स। मैं अभय दुबे जी पर आता हूं। उन्होंने कहा सच्चाई से बहुत दूर है हम, सच्चाई की बातें नहीं। नरेंद्र मोदी जी सपने के सौदागर हैं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं उस सारे यूथ को। हाँ, हम सपनों के सौदागर हैं और उन्हीं सपनों में जीकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सपनों के सौदागर हैं। आप आज यहां पर बैठकर जीडीपी की और तमाम चीजों पर, जो मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, वो कहते हैं कि इनको भी कैमोफ्लेज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, आईएमएफ को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, स्टैनली नहीं, आईएमएफ आंकड़े जुटाता ही नहीं है भारत के, जो सरकार देती है वही लिख देता है। लेकिन आप कितना भी डिनायल मोड में रहिए, लेकिन इस देश की सरकार ने 2.5 करोड़ घर बनाए हैं, आप उसको नहीं हटा सकते। आप कितना भी डिनायल मोड में रहिए, इस देश की सरकार ने 11.5 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, आप मना नहीं कर सकते। आप कितना भी डिनायल मोड में रहिए, इस देश में आयुष्मान योजना चल रही है और उसके शायद लाखों लोगों का और करोड़ों लोगों का इलाज हो रहा है। अब मैं अंत में आशुतोष जी के सवाल पर आता हूं। 20 सेकंड। हम 75 साल हो गए लोकतंत्र को जीते हुए और साथ में हिंदू मुस्लिम रहते हुए, आशुतोष जी आज भी हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। हर जगह जाकर वहीं अटक जाते, कहते हैं वो 20% के बिना रहेगा क्या हिंदुस्तान? किसने कहा? उस 20% का रिप्रेजेंटेशन करने वाले इस देश के अब्दुल कलाम थे, जो इस देश के राष्ट्रपति रहे और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उनको। चलिए, तो यहां पर कुछ डिनायल मोड में है क्या लोग, उनको एक ही तस्वीर दिखाई देती है, और कुछ लोग क्या सपनों में जीने में उनको आनंद आता है, लुत्फ आता है क्या? जमीनी हकीकत पर हम कायम रहेंगे। देश विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ा है। 2047 का लक्ष्य भी बाकायदा तय कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है कि देश विकसित हो जाएगा, लेकिन चुनौतियां भी हैं। और महिलाओं की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और युवाओं की भी, और आप दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं, आप कैसे देखती हैं आज जिस जगह हम खड़े हैं और जो लक्ष्य साध रहे हैं, या जिनको हम सपनी की तरह संजो रहे हैं? जैसे हमने फैज की बात से शुरू करे थे, और भी राहतें हैं, और वसल की राहत के सिवा, वसल क्या है? हमें बताया जा रहा है कि आप मिलेंगे अपने आइडियाज से, विश्व गुरु बन जाएंगे, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, और ये हमें एक आइडिया दिखाया जा रहा है कि आप इस आइडिया को, यू विल मीट दैट आइडिया। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, ये हमें रियलिटी से ग्राउंड में भी हमें रखना चाहिए, रियलिटी को, वी शुड नॉट लीव इट। जब हम डेटा की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, हम क्वालिटेटिव
डेटा की बात ही नहीं करते, हम सब क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं। हम तीसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे ये हम बात करते हैं, हम कभी ये बात नहीं करते कि पर कैपिटा कितना गेन हो रहा है। और जब हम युवाओं की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बिना एजुकेशन को बोले, बिना एम्प्लॉयमेंट को बोले या बिना मेंटल हेल्थ को बोले, तो हम एक पॉइंट मिस आउट कर देते हैं। और एजुकेशन भी इस तरह का होना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन हो। अब हम जैसे 25 इयर्स से कम लोग जो हैं वो 40% लोग हैं इस देश में, लेकिन सीएमआई का डेटा बताता है कि 50% तो लगभग उसमें अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये सब चीज़ों को कौन एड्रेस करेगा? एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है आज हमारे लिए। और जब हम खुद से स्किल डेवलपमेंट, हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि क्लियरेंसेस में और ये सब चीज़ में आज भी बहुत टाइम लगता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस बोलने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन आज भी हम जाएं तो कितनी एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ जाती है ग्राउंड लेवल में। माहिरा, आप जो कह रही हैं वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल। डिटेलिंग में भी हम क्या जा रहे हैं। और शिक्षा की बात की, माहिरा ने भी, दिबांग ने भी वो सवाल उठाया था, आप एनसीईआरटी के निदेशक भी रहे, पाठ्यक्रम में तो चलिए बदलाव होता रहेगा पर वो पैसा जब तक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं जाएगा तब तक क्या हम सही मायने में शिक्षित हो पाएंगे? क्या एक बड़ी दिक्कत है कि हम अपने जीडीपी का बहुत कम फीसद ही शिक्षा को देते? मैंने ये 6% वाली बात 1968 से मैं लगातार सुनता रहा हूँ और कोई ऐसी सरकार केंद्र में नहीं थी जिसने वादा न किया हो, सभी ने किया। मैंने उनकी मजबूरियों का अध्ययन करने का भी प्रयास किया है और बहुत हद तक मैं उसको समझता हूँ। मैं 5 साल मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहा हूँ। पैसा जाना चाहिए लेकिन ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि हम केवल नकारात्मकता ही देखते रहें उससे तो कुछ होने वाला नहीं, कि जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उधर भी बजट जाता है, स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री अलग हो गई है, दिखाने में वो पैसा उसमें नहीं है लेकिन वो भी पर शायद ये भी नहीं मालूम होगा स्किल मंत्री कौन है हमारा। ये बात, मंत्री कोई भी हो या ना हो लेकिन बजट तो वहाँ जाता है। तो मैं समझता हूँ पैसे की कमी उतनी नहीं है जितनी कमी लोगों की और लीडरशिप एट वेरियस स्टेजेस की है। मेरा एक विचार है जो बार बार मैं दोहराता हूँ कि भारत के समेकित विकास का रास्ता गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल के दरवाजे से निकलता है, और अगर ये हो जाए तो इस देश की शक्ल बदल जाएगी। और ये लगातार मैं कहता हूँ कि प्राइमरी स्कूल को ध्यान दीजिए, उससे हायर एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च सब बढ़ जाएगा। मुझे दो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं, कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ईश्वर उसे दो वरदान देता है, पावर ऑफ आइडियाज एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। इसको बढ़ाने का काम कहाँ से शुरू होता है? प्राइमरी स्कूल से होता है। प्राइमरी स्कूल बेसिक बुनियाद जो है हमारी, आप भी गांव देहात से आते हैं जनरल मोर, ये भारत की एक बड़ी दिक्कत है। हम अपने देश की जब बात करते हैं हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक भारत है एक इंडिया है। गांव देहात वो कहीं अधर में ही लटका हुआ और इंडिया जगमगा रहा है। हमें ये भी एड्रेस करने की जरूरत है। संदीप बिल्कुल, जब मैं गांव से आया हूं, गांव में पढ़ा हुआ हूं और मैं देखता हूं गांव काफ़ी हमने पीछे छोड़ दिया। महात्मा गांधी जी गांव की बात करते थे, छुआछूत की बात करते थे, गांव की जो प्रॉब्लम्स है गांव को स्वच्छ बनाने की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के जोड़ जाके देख लो, प्राइमरी स्कूल की इन्होंने बात की, कुछ मतलब तालाब जो 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 लोग ना जा सारे के सारे जो है काले पानी के हो गए हैं, जिनमें गाय भैंसे जा बहुत ही अच्छे से रखते थे। और कहीं ना कहीं अभी शुरुआत मेरे गांव से बात से स्टार्ट हुई, जहां एक महापंचायत कुछ दिन पहले उन्होंने कहा यार ये धर्म की राजनीति बंद करो, हमें रास्ता दिखाओ आगे काम कैसे करना है, और देश को और युवाओं को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल के सच में कर्मठ बनना है, काम करना है देश के लिए। और काम कैसे होगा, 5 साल आपने इलेक्शन जीत लिया, आप कृपया करके काम करो। अभी ये रोज की ऑप्टिक्स, रोज की जिंगोइज्म, रेटोरिक और ये इस तरीके से एक एक माहौल सा जो है ना, युवाओं को चाहिए एक कंस्ट्रक्टिव फील्ड चाहिए और काम करने की एक जगह चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो युवाओं की जो शक्ति है, युवा शक्ति की बात करते हैं, उसको चैनलाइज करने की भी जरूरत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना फंसो, और ये मजहब की सियासी दुकानदारी चलती आई है, हमने विभाजन भी झेला है तो इससे दूर रहो, लक्ष्य प्राप्ति की तरफ ध्यान दो। और भारत ने भी अपना लक्ष्य साध लिया है। आजादी का जश्न मना रहे हैं, हमारे साथ 24 खास मेहमान हैं, जनरल मेस्टन, अ प्राउड सोल्जर। मणिपुर की भी बात हुई,
और मणिपुर का समाधान निकालने की तो बात हो रही है, पर ये हालात ऐसे क्यों बिगड़े और कहां हमने चूक की है और चूक स्वीकार करने को भी तैयार हैं क्या? संदीप, जय हिंद। आप सबको जय हिंद सर, इंडिपेंडेंस डे की मुबारक हो। दो इश्यूज मैं एड्रेस करूंगा मणिपुर से। पहले आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सबसे पहली चीज 140 करोड़ इंडियन से बातचीत की। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर 140 करोड़ इंडियन एक हो जाएं, इंडिया विल बी नंबर वन इन एवरी मैनर, देयर इज नॉट डाउट। लेकिन मैं साथ में ये भी बोलूंगा, भारतीय सेना वो जगह है जहां से हम सबको कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? 41 इयर्स हमने यूनिफॉर्म पहनी है नेशनल डिफेंस एकेडमी 1978 से, और आज मेरे दोनों बेटे भी इंडियन आर्मी में हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर, सो आई एम कनेक्टेड टू द आर्मी। आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो है यूनिटी, और आज फौज में हमारे पास सब धर्म, सब जात, सब कास्ट, सब कलर, कास्ट क्रीड के लोग हैं, लेकिन हमारा जो खून है कोई किसी से नहीं पूछता आपका धर्म या कास्ट या जात क्या है। ये सबसे बड़ी चीज इंडियन आर्मी में है, और इसी वजह से इंडियन आर्मी इज यूनाइटेड, और आज दुनिया की कोई ताकत इंडियन आर्मी को चैलेंज नहीं कर सकती है क्योंकि हम एक हैं। और देश में भी वही एकता आनी चाहिए, और ये तमाम लीडर्स का है, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी, एवरी वन नीड्स टू बी अकाउंटेबल टू ब्रिंग सॉलिड यूनिटी एंड बॉन्डिंग अमंग्स द पीपल। 140 करोड़ इंडियन इज अ ह्यूज स्ट्रेंथ, वी कैन डू एनीथिंग। ये कमाल की जो बात कही है, और फौज से क्या, ये तो सीखना ही सीखना होगा। हम गुलदस्ता हैं, इसमें कांटों की कोई जगह नहीं है, पर कुछ कांटे आते हैं। मणिपुर का सवाल जो मैंने जनरल मेस्टन से पूछा था, मणिपुर का समाधान निकलता दिख रहा है या हम गलती चूक कहां हुई उसे मानने को भी तैयार है? देखिए संदीप, मैंने मार्च में आपके एक शो पर न्यूज 24 में कहा था कि मणिपुर में जो शुरुआत की है वो बहुत पहले से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको उसको उसकी जज कर लेना चाहिए था, उसका अंदाज़ा लगाना चाहिए था। हमने होने दिया, और ये नहीं है कि हम पास्ट से कंपेयर करते रहे। जम्मू एंड कश्मीर में ये हुआ, पंजाब में ये हुआ, पहले 1962 में ये हुआ। आज आधुनिक भारत है, आज हमारे पास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप सब बांधते भारत ने तरक्की की है, भारत ने तरक्की की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है उसको ठीक टाइम पे एनालाइज करने की और उस दर्द को रोकने की? 160 मौतों के बाद, दो कम्युनिटीज के बीच में इस तरह होने के बाद पहली बार एक आवाज उठी है कि आपने बोला 40 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए रूलिंग पार्टी सेज कि आप असम राइफल को हटा दो। भारतीय सेना पर पहली बार इतना किसी लेजिस्लेटिव इलेक्टेड लोगों ने बोला, और इस देश ने कोई वो नहीं किया। साहब, आप मणिपुर के दर्द को समझो, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का दर्द है। असम राइफल ने 400 का चक्कर है इसी लड़ाई को लड़ते हुए, 1956 से नॉर्थ ईस्ट की लड़ाई लड़ रहा है। उनके 1200 लोग उसमें शहीद हुए हैं, उनके कम से कम 1000 आदमी से ज्यादा इनकैपेसिटेट हुए हैं, उनके यहाँ 60 से ज्यादा लोग जो है वो और 40-48 बटालियन ऐसी जगह लगी हुई है, मैं नंबर नहीं हुआ, जो हॉस्टाइल टेरेन है, ना कि दुश्मन से, क्लाइमेट से, जंगल से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। मेरा मानना यह है कि मणिपुर का रास्ता जो मार्च में निकल सकता था आज भी वही है। देखिए, वो सरकार फेल हो चुकी है, आप पर उसके प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को चाहिए एक रियल असेसमेंट ले। वो चीफ मिनिस्टर फेल हो चुका है, फेल्योर को रीइन्फोर्स नहीं करते। दूसरी बात, वहां के जो गवर्नर है वो उस तरह से पब्लिक इमेज नहीं दे पा रहे। वहां जो एडवाइजर्स हैं वो कोई एक आपने पुराने सीआरपीएफ के काबिल ऑफिसर को लगा दिया। वहां की सीआरपीएफ की प्रॉब्लम नहीं है, आसाम राइफल नॉर्थ ईस्ट में जो जनरलशिप है। मेरा मानना यह है कि अगर आप उसका समाधान चाह रहे हो, अगर शांति रियल में शांति चाह रहे हो, तो वो शांति अभी दूर है क्योंकि आप ठोस कदम नहीं उठा रहे। ठोस कदम उठाने होंगे अगर मणिपुर में हम शांति चाहते हैं। 140 करोड़ देश की जब हम बात करते हैं, 32 लाख की आबादी वाला वो हिस्सा, उस पर हम आंखें मूंद नहीं सकते हैं। देश आजादी का जश्न मना रहा है, थोड़ा हम ब्रेक भी ले रहे थे, यहाँ पर लोग अब सैंडविच भी खाने लगे, तो अब सब चुपके से अपना मुंह बंद भी करेंगे, पर दीपक साहब अपना लुत्फ उठा रहे हैं।
चर्चा हो रही है देश के सामने चुनौतियां क्या है, ताल तो हम ठोक ही रहे हैं, तो आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज का जो ताना बाना हम कहते हैं अनेकता में एकता, विविधता हमारी ताकत है, ताकत है या ये ताकत का टेस्ट भी हो रहा? देखिए ताकत का टेस्ट भी हो रहा है, आधी आबादी को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, महिलाओं की भी बात करना चाहूँगी, पर जो अभी स्थिति है मुझे लगता है कि उसका टेस्ट हो रहा है। वो टेस्ट मुझे लगता है कि जनता भी जिम्मेदार है और लीडरशिप भी जिम्मेदार है, और ये टेस्ट सालों से चलता है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसी लीडरशिप 76 ईयर्स में नहीं आई है जिसने इसका एक समाधान निकाला हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, और जिसने बोला हो गया हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ, अभी भाईचारे की बात करें 76 इयर्स में एक भी ऐसा लीडर नहीं आया अनफॉर्चुनेटली, बट ऐसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान वो सूरज देखे जब कोई बात ना करे। एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैं जब बड़ी हुई हम लोग कास्ट की बात रिलीजन की बात नहीं करते थे, आज वो समय आ गया लोग जाति की बात कर रहे हैं, आपका रिलीजन क्या, आपका सरनेम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, ये चर्चाएं शुरू हो गई, इट्स नॉट अ गुड साइन। और जो महिलाओं की भी अगर मैं बात करूं, 2 करोड़ लखपति महिलाएं दीदी बनेंगी, वो अपनी जगह, हमने महिला सशक्तिकरण वर्ष भी मनाया 2002 में, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है असल में? देखिए जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा हो, हमारे ही हिंदुस्तान का पार्ट है मणिपुर, बाहर का नहीं है, हम चाहे कितना भी उन्हें अलग समझ लें, वो हमारे देश का हिस्सा है, हमारे भाई बहन है। अगर मेरी बहनें निर्वस्त्र घुमाई जाएंगी तो मेरा दिल टूटेगा। और मुझे एक बात और कहनी है कि बेटी बचाओ का नारा दिया था 10 साल पहले, और आज बेटी की ऐसी हालत है, उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, उसको नंगा करके घुमाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है। जिस तिरंगे पे हमें नाज है, मैं भी पहनती हूँ और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, पर वही झंडा आज मैं रस्ते में देख रही हूँ छोटे बच्चे बेच रहे हैं, वो निर्वस्त्र हैं, उनके पास खाने को नहीं है और वो झंडा बेच रहे हैं। हम ऑप्टिमिज्म बातें करें अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने भी बहुत ऑप्टिमिज्म की बातें की हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, पर सच्चाई भी तो जाननी जरूरी है, सच्चाई भी जाननी जरूरी है, जश्न मनाना भी जरूरी है। भाई आज़ादी के 76 साल हो गए, पर परिपक्वता का तकाजा ये भी है कि जहां हमें अपने गिरेबान में झांकना है उसे झांकने की ताकत भी रखे। 24 की ताल भी ठोकी जा रही है, चुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन हम आजादी का जश्न भी मना रहे हैं। 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोले, संदेश में क्या संदेश छिपा है? नमस्ते और सभी देशवासियों को मेरा नमस्ते और आजादी की शुभकामनाएं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये मेरा सबसे फेवरेट पर्व होता जा रहा है। मुझे आज़ादी के बारे में बात करने में, अपने देश को सेलिब्रेट करने में जो खुशी मिलती है वो और किसी चीज़ में नहीं मिलती। और बहुत जल्दी और आपका बहुत कम समय लेते हुए मैं वो 2 बातें बताऊंगी जो आज हमारे प्रधानमंत्री के भाषण में से मुझे सबसे अच्छी लगी। एक तो हमारे प्रधानमंत्री ने देश के गरीब तबके की बात करी, उन्होंने ये कहा जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ऑफ द कंट्री हैं, जिनका ख्याल रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हम उनको जब एम्पावर करते हैं, जब उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश के मिडिल क्लास की इकोनॉमिक पावर्स में। ऐसे ही देश बढ़ता है, एक एक तबका ऊपर चढ़ता है। 13.5 करोड़ लोग इस बार पॉवर्टी की रेखा के ऊपर आए हैं, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, एक आइडियोलॉजी जो एक विजन हम लेकर चले हैं, हम उस पर काम कर पा रहे हैं, रिजल्ट दे पा रहे हैं। एक मोदी जी ने महिलाओं की बात करी, उन्होंने ये कहा कि आज हमारे देश में विश्व में सबसे ज़्यादा महिला पायलट्स हैं। अगर हम स्टेम देखें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है, वहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएँ काम करती है। मून मिशन के लिए विंग कमांडर खड़ी हुई है, बिल्कुल। और हम अभी इसी बारे में बात कर रहे थे, और हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो गर्व हम महसूस करते हैं हमारी देश की महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखकर, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो एक मून मिशन के कंप्यूटर के सामने बैठी हो, वो बहुत बड़ी। तो गरीब का कल्याण और महिला का सशक्तिकरण, आपको क्या दिखा इस संदेश में, क्या पढ़ा? पहले तो आपके जरिए और आप सहित उन सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई जिन्होंने आज़ादी के 76 सालों को एक्नॉलेज किया है, और जिनके लिए आज़ादी 2014 के बाद आई है, उनको बहुत सारा प्यार, क्योंकि उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान हम इंडिया वाले ही खोल सकते हैं।
और आज मैं प्रधानमंत्री जी को उनके आखिरी भाषण के लिए जो लाल किले से दिया उसके लिए बहुत बधाई देती हूँ, जिसमें उन्होंने परिवारवाद की बात की, क्योंकि आज उन्होंने मेरे प्यारे देशवासियों ना बोल के मेरे प्यारे परिवारजनों बोला और उसी के विरोधाभास में कहा परिवारवाद के बारे में। एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत लोगों ने कहा हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पर लगातार पिछले 9.5 सालों में हमने प्रधानमंत्री जी को सिर्फ नेगेटिव बोलते सुना। कभी इसरो एक्नॉलेज नहीं हुआ, कभी DRDO एक्नॉलेज नहीं हुआ, कभी एम्स एक्नॉलेज नहीं हुआ, और तो और जिस भारतीय वायुसेना से मैं आती हूँ वहाँ 3000 जहाज खरीद कर उसने हमें विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया था। तो 36 जहाज खरीद कर प्रधानमंत्री पहले के 3000 को खारिज करते हुए ये कहते रहे कि केवल मैंने सेनाओं को मजबूत बनाया है। और आज जनरल विशंबर दयाल जी ने जो बात कही वो कहना चाहती हूँ कि छद्म राष्ट्रवाद और जिंगोइज्म के सहारे राष्ट्रभक्ति की फ्रेंचाइजी लेने वाले लोगों ने ही सेना का अपमान किया है। एक खास बात और बोलना चाहूंगी, हाँ। कि जो कॉस्मेटिक तरीके से बताया जाता है दलितों के उत्थान और बाकी के उत्थान की बात, पिछले बार भी प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक शब्द छोड़ दिया था और इस बार भी तुष्टिकरण से उसी एक वर्ग पर निशाना साधा है, और मैं समझती हूं कि ये एक इंक्लूसिव भारत की कल्पना नहीं है। भारत जब कहते हैं 140 करोड़ परिवार वाले, मेरे परिजन, तो उसमें तो सब आते हैं। एक ही वाजपेयी तो सबकी बात की है प्रधानमंत्री ने, 140 करोड़, उसमें 20% छोड़े नहीं है। अच्छा, कभी 140 की बात करते हैं तो 20% उसमें होते हैं। देखिए उस तरफ ना चाहिए। अच्छा, उस तरफ नहीं जाना है। हम अभी क्लेम ही नहीं कर रहे हैं कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया, गरीबी भी हटा दी और सबको रोजगार भी दे, ये तो हम क्लेम ही नहीं कर रहे। हम क्लेम क्या कर रहे हैं, अमृत काल में है, हम क्लेम कर रहे हैं, अमृत काल हम कह रहे हैं, और उसके साथ साथ आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और दूसरा, 2047 तक का विजन दे रहे हैं। देखिए, नेगेटिविटी का एक स्थान है डेमोक्रेसी में, लेकिन उससे ज्यादा स्थान पॉजिटिविटी का होना चाहिए। और अगर देश का कप्तान पॉजिटिविटी से भरा नहीं होगा तो देश को कैसे आगे ले जाएगा, इसको तो सोचना पड़ेगा आपको। देखिए, पांचवी अर्थव्यवस्था बनी है। नहीं, सपने जब दिखाए जाते हैं, साकार करना भी तो होता है ना, कि अच्छे दिन आएंगे, गरीबों के, किसानों के, मुसलमानों के अच्छे दिन आ गए। अभी 2.5 घंटे 2.25 घंटे प्रधानमंत्री जी ने किसान, मजदूर, महिला, बेटी, जवान, किसान सबकी बात की। चलो उसके बारे में बात करेंगे, हम भारत की बात तो करेंगे। राजीव जी, आपको क्या दिखा इस संदेश में? देखिए, सबसे पहले इस देश की आज़ादी के लिए जिन ख्याति प्राप्त और जिन अनाम शहीदों की कुर्बानियाँ हैं उनको आज मैं प्रणाम करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। सबसे पहले इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों ने मणिपुर के हालात की कल्पना तो नहीं की होगी। और आप इंक्लूसिव इंडिया की बात करते हैं, 80% लोगों की बात करते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी और कांग्रेस के साथ पहली कतार में लड़ने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या देश भूल पाएगा? और सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, हिंदुस्तान के विभाजन का जो दर्द और जो दंश उन्होंने भोगा, उन्होंने हिंदुस्तान अपनी चिकित्सा के लिए आने के बाद वो संस्मरण भी बताए। और अब मैं बताऊंगा, 80% इस देश के 100% की बात करिए, 1948 में, 1947 में कबायलियों के आक्रमण के समय पाकिस्तानी सेना उनके साथ थी, एक शहादत ने कश्मीर पर पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए विवश किया, और ब्रिगेडियर उस्मान की उस कुर्बानी को क्या देश कभी भूल पाएगा? 1965, हवलदार हमीद, दूसरी तरफ देखें निर्बलजीत सिंह शेख हो, अगर 1971 देखें तो चाहे वो सैम जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ हो, पारसी थे, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा सिख थे, इस देश की आज़ादी और इस देश के नवनिर्माण और तमाम बड़ी जीतों में 100% का योगदान है। सबका योगदान है, सबको साथ भी चलना होगा। और जब सब साथ चलने की बात करते हैं, वो भारत इंडिया
वापस आ जाता है और भारत के यहाँ नुमाइंदे कुछ बैठे हैं, अभिमन्यु कोहाड़ किसान आंदोलन भी किया, प्रधानमंत्री कहते हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए दे दिए किसान सम्मान निधि में, किसान का सम्मान बढ़ा है पिछले कुछ सालों में या किसान मेहनत की माकूल कीमत की लड़ाई अब भी लड़ रहा? देखिए संदीप जी, आज प्रधानमंत्री जी ने लेखा जोखा देने की बात कही, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि जो उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो इस बात का भी उन्हें लेखा जोखा देना चाहिए था कि कितने किसानों की आय उन्होंने दोगुनी की। एक तरफ हमारे देश में OECD की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 17 सालों में जो किसानों को उचित MSP नहीं मिला उसके कारण किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम 6000 रुपए सालाना दे रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जो हमारी मेहनत है उस मेहनत के हमें उचित दाम दे दीजिए, हमें कोई दान नहीं चाहिए। 45 लाख करोड़ रुपए जो हमारा हक था वो आपने हमसे छीन लिया और अब आप कह रहे हैं कि हमने 6000 दे के आपका भविष्य बदल देंगे। और एक और बात जो प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाह रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी शायद अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी निष्पक्ष और न्यूट्रल किसान संगठनों के डेलीगेशन को मिलने के लिए समय नहीं दिया। उनको किसान डेलीगेशन से मिलना चाहिए ताकि हम उनको ये बता सकें कि आपने 2014 से पहले वादा किया था कि मैं स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करूंगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में कह दिया अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जी, बिल्कुल। और उनको हम ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हुए कहा था कि MSP पे गारंटी का कानून होना चाहिए, खाली MSP घोषित करने से काम नहीं चलेगा, तो आज आपको MSP पे कानून बनाना चाहिए। MSP में दिक्कत क्या है? अर्थशास्त्री काला सूट गुलाबी अखबार वाले बताते हैं अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मेहनत की माकूल कीमत कैसे मिलेगी किसान को? देवेंद्र, सबसे पहले तो आज सुबह से हमने बहुत आंकड़े सुने हैं और बहुत ड्रीम्स भी दिखाए गए हैं, बहुत से चैलेंजेस भी रखे गए हैं। और यंगर लोगों को मुझे लगता है कि जो सशक्तिकरण होना चाहिए वो यंगर लोगों को ये होना चाहिए कि वो दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। जब वो वेल इन्फॉर्म्ड होंगे तब आपका सशक्तिकरण होगा आपके बीच में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समझिए, जितने भी डेटे आज आए हैं उसमें एक डेटा और भी मैं अगर ऐड कर दूँ, आपने कहा था कि वर्ल्ड बैंक IMF भी वही बात करता है जो इंडिया की बात करता है। अभी एक मैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट देख रहा था, वो कहते हैं कि जितनी हमारी ब्रिक्स कंट्री हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उसमें देखा जाए तो $4 प्रतिदिन पे रहने वाले लोग जो हैं, यानी 280 रुपये प्रतिदिन पे जो पॉपुलेशन गुजारा करती है भारत में, वो 91% है। 91% लोग जो हैं वो $4 से कम 280 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। ये कौन सी मिडिल क्लास की हम बात कर रहे हैं? 9% लोगों को सिर्फ बेनिफिट मिला है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए थे, 25 साल होने वाले हैं, सिर्फ 9% को फायदा हुआ है। असली जो फायदा होना चाहिए जिसको हम रिफॉर्म कहेंगे, मेरा मानना है कि जो तबका जिसकी हम जब कहते हैं ना 140 करोड़ लोग हैं, जब 140 करोड़ लोग हैं तो क्या कारण है कि वर्ल्ड बैंक ही कहता है कि 67% GDP जो भारत का है वो बिलियनर से आता है जो सुपर रिच है। तो बाकी तो आप लोग देख लीजिए GDP में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो समझना तो हमें इन चीज़ों को है, और फिर हम देखें कि ये 9% जो है ये 91% में कैसे फैल सकता है। उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है। आपने आज तक 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, मेरा मानना कि उसमें गलती हुई थी, गलती ये हुई थी कि हमने कट एंड पेस्ट किया, जो अमीर देशों ने कहा वही हमने कर दिया कि भाई इंडस्ट्री को इंजन ऑफ ग्रोथ बनाना है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो गलती वहां पर हुई है वो ये थी कि हमने एग्रीकल्चर को सेकेंड इंजन ऑफ ग्रोथ नहीं बनाया। 140 करोड़ में 60 करोड़ लोग तो खेती से जुड़े हैं, खेती की बात देश की, ये देश की विडंबना है। 2/3 सांसद भी दरअसल किसान है, पर किसानी की बात आती है तो वो मुंह बंद हो जाते हैं, ताले पड़ जाते हैं। किसान चैनल भी चला था, कब बंद हो गया ये पता ही नहीं लगा इस देश में। देखिए संदीप, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर हम, जैसे आपने शुरू में कहा कि आज़ादी के साथ जो जुड़े हुए सपने थे और आज 75 साल के बाद हकीकत क्या है, इसके ऊपर जब चर्चा कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि आज़ादी का सबसे लोकप्रिय नारा जो था वो ये था, धन और धरती बट के रहेगी, रात अंधेरी कट के रहेगी। लेकिन आज जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, चाहे महिलाएं हैं, चाहे दलित हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं, उनके एंगल से अगर रात अंधेरी को आंकने की कोशिश करें तो ये लगता है कि वो और शाह हो गई है रात। अब कई साथी कह सकते हैं कि जब हकीकत पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नकारात्मक हो गए हैं। नो, इट इज नॉट नेगेटिविटी, पॉजिटिवली सोचना वो होता है कि हम अपने से जो कमजोर लोग हैं
उन कमजोर लोगों को अपनी मुख्य धारा के अंदर कितना शामिल करके कर पाए हैं। महिलाओं के एंगल से आप देखिए, पिछले दिनों हुआ क्या है, हमारे देश की जो कुश्ती की ओलंपियंस हैं, उनको एक FIR दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ी है। ये हालत है। पिछले जो आजादी, मतलब आजादी के सही मायने हमें तलाशने होंगे। बराबरी सबकी हो रही है, उसमें महिला पुरुष जाति धर्म ये जो विद्वेष पैदा करते हैं, इनसे पार पाट पाए हैं? इनसे पार नहीं पा पाए हैं, बल्कि ये खाइयां और गहरी की जा रही है राजनीतिक स्वार्थों की वजह से। अभी नू के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर, वो मेवाती जो आजादी के आंदोलन में अपने लड़ाकूपन के लिए जो मशहूर हैं, उनको विलेन की तरह से आज बनाया जा रहा है। आप ये देखिए, 55% जो हमारे आज युवा पीढ़ी है, ये हमारे देश का सौभाग्य है, लेकिन बेरोजगारी की हालत क्या है, आप उसके ऊपर बात करें तो आप कहते कि नकारात्मक हो गए भाई, रोजगार के बिना। हाँ, नकारात्मकता, ये ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, ये उस पर भी निर्भर करता है। पर देश देखिए, जब आजादी की बात करते हैं तो मतलब सब बराबर हैं, बराबर का हक मिलेगा। कानून की नजर से देखें, और आप इतने सालों पुलिस में रहे, क्या बराबरी का हक सबको मिला हुआ है? और कानून भी यू हैव सो हाई, द लॉ इज अबव यू के फलसफे पर चल रहा है? देखिए, आज हर्ष और उल्लास का दिवस है, और हमारे सामने युवा बैठे हैं जिनके सपने बहुत ही बड़े बड़े हैं, और ये सपनों को साकार करने के लिए वो शक्ति भी जल्दी ही आजमाएंगे। 75 साल में बहुत तरक्की हुई है, इसमें कोई शक नहीं, और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, बहुत अच्छा संदेश दिया है, वो आशा का संदेश है कि 2047 में क्या होगा। सवाल ये है कि इस 75 साल में जहां हम सोचते थे हम पहुंचेंगे, वहां हम नहीं पहुंचे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे लिए है, लेकिन जहां में वो नहीं पहुंचा है। जहां तक समानता की बात है, काफी कमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर हासिल भी बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है। यही मैंने कहा, हर व्यवस्था में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था की बात करें, चाहे सामाजिक व्यवस्था की बात करें, काफी तरक्की हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी तीन है हमारे सामने। एक तो व्यवस्था की चुनौती है, जिसको हम मिस गवर्नेंस कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। आज मणिपुर में जो स्थिति है वो भयावह है, इसमें कोई शक नहीं है। 40 MLAs ने यह कह दिया कि आर्मी को हटा दो, लेकिन 40 MLAs ने ये नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अक्षम है। और हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो हम अपने आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आर्थिक निवेश इस देश में तब आएगा जबकि हम रोज करीब 9 महीने तक त्यौहार नहीं मनाते रहे। आर्थिक प्रगति तब होगी जब गुड़गांव ऐसे इसमें फ्लैग मार्चेस नहीं होंगे। इसलिए उस क्लाइमेट को क्रिएट करने के लिए थोड़ी व्यवस्था की आवश्यकता, सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, NDA बनाम इंडिया की चर्चा भी करने वाला हूं, लेकिन 800 साल पुरानी सूफी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हाजी इकबाल साबरी साहब मेरे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ गजल या कुछ कोई मुखड़ा अगर आप पेश करना चाहें? सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, खासतौर से आपका, कि भारत की 140 करोड़ की आबादी में से ये पहला चैनल है कि जिन्होंने सूफीज़म पर बोलने के लिए किसी आर्टिस्ट को यहाँ मंच पर बुलाया है। बहुत सारी क्लिपिंग कीजिए, क्योंकि देखिए 800 साल का सूफीज़म नहीं है, इससे पहले भी संतों ने इस देश के अंदर शांति का, एकता का, प्रेम का संदेश दिया है। बुनियादी चीज जो है, अगर हमारे अंदर खुलूस, मोहब्बत और प्रेम नहीं आएगा तो हम कोई तरक्की नहीं करेंगे। वो कहना है कि कुछ सुलगते हुए लफ्ज और कुछ दहकते हुए अल्फाज, हमने एक चीज उन्हें लिख के कल भेजी है, और देखना यह है कि पढ़ते हैं या खाते हैं गरीब, हमने रोटी पे उन्हें लिख के गजल भेजी है। तो ये लोग, देखिए मेरे पास टाइम बहुत कम है, ऐसे बहुत सारे अशआर हैं, ये लोग आ गए आखिर रहनुमा की चालों में, लोग आ गए आखिर रहनुमा की चालों में, खौफ था अंधेरों का, लुट गए उजालों में।
और अगर आप जा भी सके तो उसी से ब्रेक लूंगा मैं, पीसीआर डायरेक्टर ब्रेक भी हाजी साहब को गाते हुए तब लेना। ये शेर मुकम्मल हो जाए कि लोग आ गए आखिर रहनुमा की चालों में, खौफ था अंधेरों का लुट गए लोग, हिंदू और मुस्लिम बन गए हैं लम्हों में, लोग हिंदू और मुस्लिम बन गए हैं लम्हों में, आदमी ना बन पाए ये हजार सालों में। ये मेरी युवा पीढ़ी, ये मेरी बच्चियां, ये मेरे नौजवान, मैं एक पैगाम इनको देना चाह रहा हूं। 30 सेकंड में बस मुझे। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी से सरवार शरीफ से मैं आया हूं कि आने वाले वक्त में ये भेदभाव हिंदू मुस्लिम ये खत्म होकर के हम सारे मिलकर के इस हिंदुस्तान की तरक्की करें और हम इस देश को आगे लेकर के जाएं, तो डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा। आंकड़े तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं हजरत अमीर खुसरू ने जो कहा है वो आप लोगों के लिए कि जे हालिम इसकी मकुम तकाफुल दोराए नैना बनाए बतियां, कि ताब हिजरा नदा रमेजा नालो का है लगाए छतियां, चू सम में सो जा चू जर्रे हैरा हमेशा गिरियां, बा इश्क आमे न नींद लेना न अंग चैना, न आ पाए न भेजी पतियां। ये हिंदुस्तान का कल्चर हमारा ये दुनिया से खत्म हो रहा है। देखिए आपका मेरा वादा है कि गाने की बात नहीं है, ये इतना आप हमारे लिए करेंगे, दिबांग भी कर रहे हैं आप। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा जो आएगा एक लाइन, मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर एक हिस्से पे हिंदुस्तान। अगला मिसरा सुनिए, मुझे मस्जिद भी प्यारी है मुझे मंदिर भी प्यारा है, कहीं पर राम लिख देना कहीं रहमान लिख देना, कहीं पर राम लिख देना कहीं रहमान। इस पे एक चार मिसरे हैं कि हमारे देश की हालत ना पूछो, अभी यहां पर डिफेंस ने बहुत अच्छी बात कही है, हमारे देश की हालत ना पूछो, फिजा संगीन होती जा रही है तो खून है बहता खून, मासूमों का ऐसे जमीन रंगीन होती जा रही है, वकार और नाना को चिश्ती को अब तो यूं मिट्टी में मिलाया जा रहा है, कहीं गीता के कर देते हैं पुरजे कहीं कुरान जलाया जा रहा है। तो मुझे मंदिर भी प्यारा है मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं पर जय श्री राम बोलने से काम नहीं चलेगा, राम और रहमान दोनों को साथ लेके चलना होगा, कहीं पर राम मेरे साथ बोले, कहीं पर राम लिख देना कहीं रहमान लिख देना कहीं पर। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं 24 की महापंचायत। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 1.5 घंटे लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, कुछ बातें कही, उस पर तो हमने चर्चा की, लेकिन अब निगाहें सबकी 24 की लड़ाई पर भी लगी हुई है, इसीलिए 24 की हमने महापंचायत भी की है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ I.N.D.I.A. यानी कि इंडिया का गठबंधन, और वार पलटवार हो रहे हैं, शब्दों के बाण चल रहे हैं दोनों ही तरफ से। इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी कि जी ये जो विपक्षी दल हैं ये तो भ्रष्टाचारी हैं, ये तो परिवारवादी हैं, घबराए हुए लोग हैं, ये इकट्ठा आ गए। तो उधर विपक्ष भी पलटवार करता है कि प्रधानमंत्री ताल ठोक रहे थे 3 महीने पहले, एक अकेला सब पर भारी, हम जाकर बेंगलुरु में क्या मिले कि 18 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने 38 पार्टियों को बुला लिया, न्योता दे दिया कि एनडीए में 38 दल हैं। यह भी कहा कि बहुतों के शायद चेहरे भी नहीं जानते होंगे, पहचानते होंगे कि ये कौन सी पार्टी के कौन से प्रवक्ता हैं। तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं, नैरेटिव तो सेट हो रहा है 2024 की लड़ाई का भी। और आज मेरे बाई ओर एनडीए का गठबंधन है और दाहिनी ओर इंडिया वाले बैठे हैं,
और ताल तो ये ठोकेंगे, और चार वरिष्ठ पत्रकार इनका विश्लेषण भी करेंगे। अच्छा आप, अरे ये देखिए कॉमेडी ऑफ एरर हो गया है, और वाजपेयी साहब ताली बजा रहे हैं। वाजपेयी साहब भी पहले वहां जाकर बैठ गए थे, तो यहां पर। और रामकृपाल जी, आप इंडिया में आ गए या एनडीए की तरफ जाएंगे, अब यह भी देखने वाली बात है। देखिए असमंजस हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, पर कंफ्यूजन में सब अपना परिचय आज खुद ही दें तो उससे बेहतर क्या होगा। देखिए मैं आलोक शर्मा, कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं पिछले कई वर्षों से। बस इतना ही परिचय चाहिए अभी। मृत्युंजय तिवारी, राष्ट्रीय जनता दल बिहार से प्रवक्ता। मानव जायसवाल, टीएमसी कोलकाता। राजीव रंजन प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड। घर वापसी हो गई। नहीं, हम लोगों की वापसी कहां, हम तो यहां हैं। घनेन्द्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी। नेशनलिस्ट स्पोक्स पर्सन, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। बदनाम अतुल कुमार अंजान। आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी। त्रिलोक त्यागी, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। खिचड़ी पक रही है, बिरयानी बन रही है, खीर खाई जा रही है, पूछूंगा अभी, रुकिए। इधर से अब एनडीए वाले। कृष्णा हेगड़े, पूर्व विधायक, प्रवक्ता उपनेता शिवसेना। के शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता। डॉक्टर के शर्मा। डॉक्टर के शर्मा। श्याम सुंदर सरन, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। दयाराम भार्गव, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय प्रवक्ता। दीप कमल सहारन, जननायक जनता पार्टी, जेजेपी। डॉक्टर एम के तोमर, निषाद पार्टी, महासचिव। माधव आनंद, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय लोक जनता दल। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। एके वाजपेयी, लोक जनशक्ति पार्टी। संजय सराफ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आरजेडी। अब यहां पर के सीधा सवाल, कार्यक्रम भी वही करता हूं। सबके नाम जानते थे आप एनडीए वालों के? नहीं, सभी लोग परिचित ही हैं, सबके नाम से भी परिचित हूं। सबके नाम से 38 की 38 पार्टियों को पहचान जाते हैं। नहीं, ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये निश्चित है कि जो भी है हमारे दल में कुछ नए जुड़े हैं। वैसे भी एनडीए का गठबंधन 25 साल पुराना गठबंधन है। हम यूपीए नहीं कि नाम बदलने की जरूरत पड़े। पहले तो मैं जानना ही चाहूँगा कि आखिर आपको नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या कलंक है यूपीए के ऊपर लगा हुआ कि आप जो है नाम बदल रहे? जैसे कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने उस दिन भाषण में कहा, जब कोई व्यापारी जो होता है कंपनी दिवालिया हो जाता है, साख खत्म हो जाती है, तो क्या करते हैं? कुड़की होने लगती है। हाँ, कुड़की भी होने लगती है, तो नाम बदल लेते हैं। तो ये जो गुमराह करने की एक कोशिश है, एक अकेला सब पर भारी, फिर जरूरत पड़ गई 38 पार्टियों की। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी, और आज भी हम कहते हैं कि है अकेले किसी से हमारे सामने लड़ने का? यदि है तो देश की जनता ने जवाब दिया है दोनों बार इसमें। तो मोदी जी तो इस बात को जो बोले वो सही है, लेकिन हमारा गठबंधन, हम 14 में भी जीते संदीप भाई, तब भी हमने अपने गठबंधन के लोगों को पूरा स्थान दिया, जबकि हम चाहते तो किसी को मंत्रिमंडल में नहीं लेते। हम 2019 में 303 सीट जीत कर आए, इसके बावजूद हमने गठबंधन धर्म को निभाया और अपने साथ के सभी दलों को के मंत्रिमंडल में स्थान दिया। तो ये एनडीए है, तो ये एनडीए है, गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है, और आप इंडिया वाले, नाम बदलना पड़ गया, यूपीए से काम नहीं चल रहा था? देखिए, मुझे लगता है कि जो दिन रात जो सरकार नाम ही बदलने पे अपनी कमाई खाती हो, वो नाम बदलने पे सवाल उठाए तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इंडिया से क्या आपत्ति है? देश के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से, एक आतंकी संगठन से करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की तुलना, वो देश का इस्तेमाल करने की नौबत आ गई। भरोसा एतबार नहीं कर रही थी क्या जनता की, इंडिया का ही नाम इस्तेमाल कि पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी और तमाम भारतीय जनता पार्टी में भी भारतीय शब्द भी है, इंडिया शब्द भी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इसरो याद नहीं आया, एम्स याद नहीं आया, इंडियन आर्मी याद नहीं आया, उनको इंडियन मुजाहिदीन याद आया। खैर, जिसकी जैसी सोच जैसी भावना रहती है उसको वैसे ही शब्द उसके मस्तिष्क में आते हैं।
आज स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले तो सभी को बधाई, और मेरे छोटे भाई के शर्मा जी ने, शायद उम्र में बड़े होंगे, बड़े भाई के शर्मा जी ने जिस तरह से कहा कि हम तो 25 साल पुराने हैं, 2014 में जितने दल थे उसमें से दो दर्जन से ज़्यादा पार्टियां छोड़कर चली गई, और जो पार्टियां छोड़कर चली गई कुंठावश इन्होंने उन पार्टियों को अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी सीबीआई तमाम रास्तों से उनको तोड़ने का काम किया। दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री तमाम जिनको लोग भ्रष्टाचारी, आप भी तो घबराए हुए छटपटाए हुए भ्रष्टाचारी सारे एक तरफ जुड़ गए, विचारधारा वो उसकी तिलांजलि दे दी, 36 का आंकड़ा सब भूल गए। देखिए मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर अगर सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार किसी का रवैया रहा है तो आज के देश के प्रधानमंत्री का रहा है। 24 घंटे 48 घंटे पहले जिनको भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको गले से लगा लेते हैं। एक केस नहीं दर्ज किया 2014 के बाद कि मोदी सरकार में आकर FIR हुई और एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। तमाम भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन में धोल कर उनके यहाँ चले जाते हैं। मैं अब जानना चाहता हूँ कि क्या NCP अब भ्रष्ट है कि नहीं, क्या अजीत राणे भ्रष्ट हैं कि नहीं। तमाम लोग, हेमंत विश्व शर्मा से लेकर, लंबी लिस्ट है, लिस्ट लंबी है। आपने भ्रष्टाचार की बात की, आज प्रधानमंत्री मोदी ने दरअसल तीन बुराइयों का भी जिक्र किया, उसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण था। पर ये जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप तो चक्की पिसवाने वाले थे अजित पवार को, अब वो वित्त मंत्री हो गए कृष्णा हेगड़े। देखिए अजित दादा पवार पे कोई चार्जशीट नहीं है, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को ये पता नहीं, और जो उन्होंने राणे होगी भी जो जांच चल रही थी, ममता बिस्वा शर्मा हो या मुकुल रॉय या शुभेंदु अधिकारी या नारायण राणे, और अब ये हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और अजित पवार, सबकी रुक जाएगी, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। देखिए वॉशिंग मशीन का हिसाब नहीं है यहाँ पर, ऐसा है कि जो मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करता है, और आज पूरा देश जो है मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करता है। 2014 में एक नारा लगी थी, अब की बार मोदी सरकार, और आज 2024 में भी लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो दूसरा कोई नारा नहीं है, मोदी जी हमारे नेता है। मोदी है तो मुमकिन है तो अजित पवार, दूसरी तरफ है तो भ्रष्टाचारी, यहाँ पर परोपकारी, संस्कारी। संदीप जी एक चार्जशीट दिखाइए अजित दादा के खिलाफ तो मैं मान जाऊं, और ये राणे जी के बारे में बात कर रहे थे। चार्जशीट होनी चाहिए, पर राजनीतिक आरोप जब आप लगाना चाहें तब आप लगा भी सकते हैं। राजीव रंजन, आरोपों में किसके कितना दम है और जनता किस पर भरोसा करती है, लड़ाई दरअसल ये है। देखिए मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी को कई बार कुछ ये समझ में नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो कुछ भी बोलते हैं कम से कम 96 घंटे बाद भी उसकी प्रामाणिकता बरकरार रह पाती है या नहीं। और चाहे जो भी चार्जशीट का सवाल ये उठा रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि अजीत पवार दोषी हैं, उनको नहीं रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी लगातार उनको 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी बता रहे थे, इसलिए ये आरोप उस समय हमने तो नहीं लगाया था, प्रधानमंत्री जी ने लगाया, और 96 घंटे के बाद उनका बाजाप्ता आलिंगन करके स्वागत किया गया, बाजाप्ता उप मुख्यमंत्री बनाया गया और ताजपोशी बतौर मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री के आरोप हो गए, आपने तो 2017 में अपनी सरकार ही, महागठबंधन की सरकार ही, वो गठबंधन ही तोड़ दिया भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर, अब वो आपके पक्के साथी हो गए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी के खिलाफ आरोप जिस समय लगे, निश्चित तौर पर अगर उन आरोपों को लेकर हमारी गंभीरता नहीं होती तो हम निसंदेह सरकार से अलग होने का फैसला नहीं करते। लेकिन बीते वर्षों में ये साबित हो गया कि इन आरोपों में कोई दम नहीं था, अगर दम होता तो एक तार्किक परिणति पर ये पहुंचा पाते। मतलब जब आपके साथ होता है तो एक अलग तर्क, दूसरा करे तो अलग तर्क, ये भ्रष्टाचार का तथाकथित आंदोलन ही निरर्थक है क्या? परसाई साहब को कोट कर रहा हूं। देखिए लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार, अभी तो इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आखिर इतने लुटेरे देश से फरार कैसे हो गए, भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है। ये रेडीमेड भाषणों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा कि उनका भ्रष्टाचार सदाचार होगा और हमारा भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार होगा। ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तिलिस्म है कि जो कमल छाप साबुन से स्नान करेगा वो सदाचारी, जो नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी, अब जनता भी समझदार हो गई। भ्रष्टाचार जनता समझदार हो गई है क्या, या अभी नैरेटिव भी बनाया जा रहा है, ये पोजिशनिंग हो रही है, और किसकी बात पर जनता यकीन करेगी? लड़ाई इस पर भी आने वाली है क्या 2024 में? देश मना रहा है आजादी का जश्न, दूसरी तरफ चल रही है राजनीतिक जंग एनडीए बनाम इंडिया की। अब एनसीपी तो पाक साफ हो गई, आप वाला गुट? पाक साफ तो पहले से थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी अभी भी दागदार थी ही नहीं। अच्छा, गलत कहते थे प्रधानमंत्री? निश्चित रूप से उनके पास वो सही तथ्य नहीं पहुंचा, और ये उनका बड़प्पन है। तथ्य पहुंचने के बाद ओ भूल सुधार हो गया, जब तथ्यों से अवगत कराया, तो उनका बड़प्पन है कि इतने बड़े पद पे रहने के उपरांत भी उन्होंने अपनी उस गलती जो उन्होंने कहा था उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया, और यही कारण है कि आदरणीय अजीत दादा पवार और हमारे बात 8 और मंत्रियों को उन्होंने 24 की मजबूरी थी कि साथ में अकेले ना पड़ जाएं, ये जो गठबंधन बन गया महाविकास अघाड़ी दिक्कत ना दे दे। देखिए, अजीत दादा पवार के लिए जो नैरेटिव है वो पूरी तौर से गलत है। वो कुल 3 साल के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, जब वो इरिगेशन मिनिस्टर थे उस समय कुल बजट ही 12,000 करोड़ का था 3 साल में। आज भी जो बजट है महाराष्ट्र का वो 10,235 करोड़ रुपए का है, तो 70,000 करोड़ की बात कहां से आ गई? आज से क्या समझ में नहीं आया ना वो? तो वो देश तो समझता है, पर ये सीटों के गठबंधन को लेके, अरे ये इंडिया वाले एक अकेला उम्मीदवार कैसे खड़ा कर पाएंगे? आपका सीटों का बंटवारा हो जाएगा, या वो कृष्णा भाई के पेट में दर्द हो रहा है काफी कि इनको कहीं हाशिए पर ना डाल दें? हम सब लोग एनडीए का हिस्सा है, और बेहतर तरीके से एनडीए के सारे नेता बैठकर तय कर लेंगे और उसके हिसाब से हो जाएगा। मैं नहीं सोचता कि सीटों के बंटवारे में कोई भी परेशानी आएगी। कोई भी परेशानी नहीं आएगी, वो अब तो आप हनुमान से बाकायदा हिस्सा हो गए, वो पारस गुट। और आप कहते रहूं, आती है परेशानी, हर दल में आती है, हर अलायंस में आती है, लेकिन वो बैठ के आपस में अंडरस्टैंडिंग करके निकाल लेते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। अल्टीमेटली टारगेट क्या है? अल्टीमेटली टारगेट है कि मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। क्यों भाई, सब मानते हो ना इस बात को? सब तैयार हो उसके लिए, तो फिर क्या रह गया? सब तैयार हैं। इंडिया की तैयारी कैसी है, और इनकी जो राजनीति है और उसमें सीटों का बंटवारा क्या बड़ा पेच होगा? देश आजादी का जश्न मना रहा है, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोले इंडिया बनाम एनडीए। राजनीति क्या है उस पर तो चर्चा जारी है, लेकिन इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया, दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने की क्षमता को छीन लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अब आप काम कैसे करोगे। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन ले, हमारे दो काम चाहिए रहेंगे। एक तरफ हम पावर वापस, आपको अपनी पावर वापस दिलाएंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपको अपने अधिकार वापस दिलाएंगे, इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन जितने काम चल रहे हैं, जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं तब से ये लोग मेरे काम में अड़चन लड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे काम में अड़चन लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने काम सुनने नहीं दिए। आप भी जितने दिल्ली में काम कर रहे हैं सारे काम चलते रहेंगे, आपकी फ्री बिजली चालू रहेगी, आपके बच्चों का अच्छी शिक्षा जारी रहेगी, आपके लोगों का अच्छा इलाज जारी रहेगा, आपकी महिलाओं को फ्री सफर जारी रहेगा। आप चिंता मत करना, अपना प्यार बनाए रखना, जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम जब क्षमता वापस आएगी सारी तो काम करेंगे, लेकिन ये कभी मत सोचना कि दिल्ली के काम किसी भी हालत में मैं रुकने दूंगा, दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे बिल्कुल। पिछले दिनों
तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधन करते हुए। इस वक्त मेरे साथ, आज जब देश 77वीं वर्षगांठ मना रहा है आजादी की, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग ठाकुर, देश ने सुना, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और वो तीन बुराइयों का जिक्र करते भी दिखे, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। मैं यहां पर हरिशंकर परसाई की एक लाइन आपके सामने पेश करूंगा कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, ये दरअसल सबसे निरर्थक आंदोलन है। ये राजनीतिक दल ये खेल खेलते हैं जैसे कबड्डी का भी खेल होता है। आप किस तरह से देखते हैं इस बुराई को, और ये बुराई खत्म होगी या राजनीतिक बस वार पलटवार चलता रहेगा? सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को, भारत के सभी देशवासियों को, और जैसा मोदी जी ने कहा, परिवार जन को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देशवासियों का आपके चैनल के माध्यम से, कि जो 9 वर्ष पहले मोदी जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तो इन 9 वर्षों में हम देश को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना पाए, 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनवा पाए, 4 करोड़ के लगभग घर बना पाए, और हर घर को नल से जल देने के लिए 2 लाख करोड़ खर्च करके 12 करोड़ घरों को नल से जल दे पाए। और लगातार जो कोविड के समय एक समस्या खड़ी थी, तो तब भी कितनी 220 करोड़ वैक्सीन लगा पाए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 2.5 साल दे पाए। ये जनता का ही सामर्थ्य था, युवा शक्ति थी, मोदी जी का नेतृत्व था कि हम कोविड के समय बचे भी, आगे बढ़ भी पाए। और जो आपने अभी मुद्दा उठाया, मोदी जी ने कहा कि उपलब्धियां हैं, हम देश को बचा भी रहे, आगे बढ़ा भी रहे, भारत में दुनिया एक नई ताकत भी देख रही है। लेकिन ये जो तीन बुराइयों से, जहां भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण, इससे मुक्ति दिलानी है ताकि देश को आगे लेके जाएं। अब आपने भ्रष्टाचार की बात कही, मैं इतना जरूर कहूंगा, जितने कदम पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए उसमें 20 गुना ज़्यादा संपत्ति उन भ्रष्ट लोगों की उसमें अटैच की गई, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये कदम उसी दिशा में है और आगे भी लगातार रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। अनुराग, आपने गरीबी का भी जिक्र किया, और प्रधानमंत्री मोदी जो आपके 430 सांसद हैं, वो 11 झुंड क्लस्टर्स बना रखे हैं, उनसे लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, उसमें गरीबी को सबसे बड़ी जाति भी परिभाषित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, विकास दर सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हमें पलट तस्वीर पर भी ध्यान देना होगा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम अभी 142वें नंबर पर हैं। विशुद्ध किसानी से किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, यह खुद सरकार का आंकड़ा है। तो गरीबी, 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर तो ले आए, लेकिन अभी भी के शेप्ड रिकवरी, क्या एक ये समस्या है कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब दरअसल गरीब होता जा रहा है? यह चुनौती है क्या सरकार के सामने? देखिए, जब हम सत्ता में आए थे तब भी बहुत सारी चुनौतियां थी, करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं था, तब भी 4 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का काम हमने तब भी किया जब उनको पक्का मकान दिया, रसोई गैस के सिलेंडर से, धुएं से मुक्ति भी दिलाई, और अगर उनको अनाज की चिंता मिटाई और साथ ही साथ पानी भी घर तक दिया, तो उनका समय भी बचाया, सुविधाएँ भी पहुँचाई। निश्चित तौर पर गरीबी किसी भी देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय, लेकिन ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाए। अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और मजबूत होती चली जाएगी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं और बढ़ती जाएंगी, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से, जहां एक और लगभग 8.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने नए रोजगार शुरू किए, 34 करोड़ के लगभग मुद्रा लोन दिए गए, और ये अपने आप में दिखता है कि लोग अपने पाँव पर खड़े हो तो बाकियों को रोजगार के अवसर भी खड़े किए। वहीं FDI अगर रिकॉर्ड देश के अंदर कोविड के समय भी आई, तो उसके कारण भी नई इन्वेस्टमेंट के कारण नया रोजगार भी उत्पन्न हुआ। अब रातों रात गरीबी नहीं मिट सकती, लेकिन इतना जरूर है कि अच्छे प्रयास और साफ मन से प्रयास किए तो जो पहले कभी नहीं हुआ वह 9 वर्षों में हुआ, 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, प्रति व्यक्ति आय भी
अगर आप राज्यों की सूची अलग अलग लेंगे तो आपको दिखेगा कौन सा राज्य उसमें अच्छा कर रहा है, कहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरक्की हो रही है। इसलिए सभी राज्यों का मिलकर भी साथ अच्छा करना जरूरी है, तभी भारत में ये आंकड़ा और कम आ सकता है। भारत सरकार लगातार प्रयासरत रही है कि आय के साधन बढ़ाए जाएं। जहां तक आपने किसानों की बात कही, 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा देश के करोड़ों गरीबों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में दिया गया। वहीं पर उन किसान भाइयों को जहां दुनिया भर में खाद के और यूरिया के दाम 3 गुना बढ़ गए थे, हमने 1 रुपये का दाम भी पिछले 3 सालों में नहीं बढ़ने दिया। और यहां तक कि इस साल 2,30,000 करोड़ रुपया सब्सिडी दी है ताकि खाद के दाम जो दुनिया भर में बढ़े उसका प्रभाव हमारे किसानों पर ना पड़े। और जहां तक खरीद की बात है, हमने खरीद भी दुगनी की है गेहूं और धान की, और मूल्य भी उसका लगभग 70% ज्यादा बढ़ाया। पर एमएसपी पर खरीदी ना होना अभी भी बड़ी समस्या है। आप ही के राज्य से आने वाले वरिष्ठ नेता रहे बीजेपी के, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट 2015 में कहती है 6% ही खरीदी होती है एमएसपी पर। क्या अनुराग ठाकुर आप प्रभावी बनाने के लिए तो चले हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को, इसको कभी अमली जामा भी पहनाया जाएगा? मुझे लगता है अगर आप जैसे पत्रकार भी ऐसी बात कहेंगे और जिन्होंने खुद अपनी आंखों के सामने होता देखा कि जो लोग ये कहते थे 2 साल पहले कि एमएसपी बंद हो जाएगी, आप सबके सामने हुआ है। आप लोग टीवी कैमरा के सामने बैठते थे पूरा पूरा दिन डिबेट करके, कहीं पे कानून में ये नहीं लिखा था कि एमएसपी बंद होगी, और हमने करके दिखाया 9 साल में, खरीद दुगनी की है, 70% दाम बढ़ाए हैं, दलहन तिलहन के अलग किए हैं। और ये कहाँ हुआ, देश में हुआ है जी, आंकड़े बताते हैं, पार्लियामेंट में भी बाहर भी। और मैं एक और बात आपको कहूँ, खरीद केंद्र भी हमने ही बढ़ाए हैं। मेरे अपने राज्य में हिमाचल में जब तक कांग्रेस राज करते रहे, हम 7 लगते पंजाब में अनाज बेचने जाते थे, 12 केंद्र हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 साल में खोले हैं। ये हमारे समय हुआ, काश कांग्रेस ने कभी कुछ किया होता तो स्थिति ना होती। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब देश को संबोधित कर रहे थे, परिवार जनों शब्द को दर्जनों से भी ज्यादा बार इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते थे तो मित्रों, भाइयों, बहनों, देशवासियों, इस बार ये परिजन और परिवार वाला ये शब्द अनायास तो नहीं है, इसमें राजनीतिक संदेश क्या है? देखिए, एक और कांग्रेस है जो राक्षस कहती है देशवासियों को, और एक और नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और अपने आप को 140 करोड़ भारतीयों के परिवार का हिस्सा मानते हैं। ये अपनापन है, तभी तो 1984 के बाद पूर्ण बहुमत से किसी को जिताया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA बीजेपी की सरकार को जिताया, एक बार नहीं 2 बार जिताया। और 2001 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जी गुजरात के CM से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक पूर्ण बहुमत ही प्राप्त करते रहे। ये तभी किया कि जड़ों से जुड़े थे, जनता से जुड़े थे, मन से जुड़े थे और कण कण और पल पल देश के लिए समर्पित था। और यही उनका समर्पण भाव जो देश के प्रति है और देश को आगे बढ़ाने और देशवासियों के लिए है, ये उनको 140 करोड़ भारतीयों को अपने परिवार के रूप में मानते हैं, इसलिए उनको परिवारजन के रूप में और परिजन के रूप में भी उनको संबोधित किया, प्रियजन के रूप में भी किया और परिवारजन भी। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप दिल से किसी के साथ जुड़े हैं, किसी के लिए समर्पित हैं और परिवार का हिस्सा मानते हैं तो ये शब्द स्वाभाविक रूप से आपके निकलते हैं। तो 140 करोड़ जब परिजन परिवार वाले कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक भी उसमें आ गए। प्रधानमंत्री तीसरी बुराई तुष्टिकरण को गिनाते हैं, तो क्या ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत से लोगों का मानना ये है कि अल्पसंख्यकों में एक डर की भावना, एक थोड़ा खौफ पैदा हो रहा है, क्या उसी को दूर करते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री ये कहते हुए सब 140 के 140 करोड़ मेरे परिवार वाले हैं? देखिए, जिसको देखना है वो देख ही लेगा, कुछ लोगों को अभी तक 9 सालों बाद भी नहीं दिख रहा, लेकिन मोदी जी की सरकार पहले दिन से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। और अगर देश में 4 करोड़ पक्के मकान मिले
तो इसमें अगर आप कहते हो मुस्लिम भाई बहनों को, उनको भी उतने ही ज़्यादा मिले हैं जितने आज तक नहीं मिले थे। अगर आप 12 करोड़ शौचालय की बात करते हो, मुस्लिम भाई और बहनों को भी पूरा हक मिला है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। अगर नल से जल की बात करते हो, मुस्लिम भाई बहनों को भी उतने ही मिले हैं। कोविड वैक्सीन 220 करोड़ लगी तो मुस्लिम भाई बहनों को भी उतनी ही लगी है, कोई भेदभाव नहीं किया और न किसी के मन में कोई किंतु परंतु है। कभी कोई कहता था आप में से कि क्रिश्चियन का क्या होगा, सब लोगों ने वोट देके नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी जिताए, आपको लगता था उत्तर प्रदेश में इतने मुसलमान हैं वहाँ क्या होगा तो वहाँ पे भी जिताया। ये विपक्ष का मुद्दा है जो आज तक जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते रहे, तो आज उनकी हालत है कि वो विपक्ष में अपना नेता तक नहीं चुन पा रहे लोकसभा में। और हम सबका साथ सबका विकास लेकर चले तो आज पूर्ण बहुमत की सरकार दो बार बनाई है और तीसरी बार फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, वक्त निकाला, सवालों के जवाब दिए, तीसरी बार की ताल ठोकी जा रही है। एक छोटा सा कमेंट पर यहां पर जो वो सीटों के बंटवारों को लेकर मैं एनडीए वालों से पूछ रहा था, आपकी खलेश दिक्कतें, 36 का आंकड़ा हो गया दूर, पंजाब दिल्ली और चंडीगढ़ भी जोड़ लें तो वो 22 सीटें जो हुई, नहीं 21 हुई, उस पर बन गई है सहमति? संदीप जी ये सब बातें होती रहेंगी, पहले मुझे जवाब देना। देखिए आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण और परिवारवाद पे अटैक किया और आपने बयान लिया गोली मारो वाले प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे से, तो दोनों चीज़ें यहीं ढेर हो जाती हैं। तीसरी चीज़ करप्शन पे उन्होंने बात की थी, तो करप्शन पे भी हमें पता है रिसेंटली 70,000 करोड़ जिन्होंने अजीत पवार के लिए बोला, दो दिन बाद उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी, उस पे तो हमने कर ली चर्चा। आपकी चर्चा कहीं बढ़ी? हमारी चर्चा आप अगली 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 मीटिंग जो होगी तब तक इंतजार करते हैं, इतनी जल्दी क्या है, वहां पर देखिए कैसे टितर बितर छोटे छोटे गुटों को इकट्ठा करना जल्दी नहीं है। टीएमसी का काम चल जाएगा कांग्रेस के साथ ही, वाम खेमे को तो नहीं टॉलरेट करेंगे आप गठबंधन में पश्चिम बंगाल में, गलत कह रहा हूँ? पहले तो संदीप भाई सभी को मेरा नमस्कार है, इस आज देश की जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी शुभकामनाएं हमारे युवाओं को भी है और साथ ही साथ हमारी संवेदना हर उस परिवार वालों के साथ है जो मणिपुर में है। हम चाहते हैं कि उनको भी इस दुष्कर्म से या जो भी वहाँ हो रहा है उससे भी उनको आज़ादी मिले और मैं मानता हूँ कि हमारी जो युवा शक्ति यहाँ है ये भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जहाँ तक बंगाल की बात है, मैं उस भूमि से आता हूँ जहाँ एक नेत्री मुख्यमंत्री है, एक महिला मुख्यमंत्री है, नाम ममता है लेकिन ममत्व का निर्वाह किया है, ममता ही दी है पूरे प्रांत को। वाम खेमा होगा गठबंधन का हिस्सा, अगर कांग्रेस जिद करती है तो कुछ भी नहीं होगा। संदीप जी सीधी सी बात है, जो मेरी मुख्यमंत्री है उसने शरीर के हर हड्डियों को तोड़वा के एक अंधकार से बंगाल को बाहर निकाला। 34 वर्ष जब पूरा देश आगे बढ़ रहा था तो बंगाल पिछड़ रहा था, पिछले 11 वर्षों से हमारी नेत्री ने बहुत काम किया है और किसी भी तरीके से हम वामपंथियों के साथ बंगाल में तो नहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। चर्चा कर रहे हैं 24 की लड़ाई की, एबीपी न्यूज पर सजा रखी हमने 24 की महापंचायत। एनडीए और इंडिया दोनों ही तरफ से लोग हैं और अभी पश्चिम बंगाल की बात हो रही थी, असल पेंच तो इंडिया में साझा उम्मीदवार कितनी सीटों पर खड़ा कर पाओगे, वहीं अटका है अतुल भाई। संदीप भाई सबसे पहले तो देशवासियों को, आपके जो दर्शक हैं उनको इस स्वाधीनता दिवस की बधाई, लेकिन उससे साथ मेरे दिमाग में एक बात है, मैं कह दूं बड़ा आप दिखा रहे थे अपने चैनल में, प्रधानमंत्री जी अब निकले, अब आए, अब वो गांधी जी के वहाँ पर पहुँचे, वहाँ से निकले आए। मैं पूछता हूँ कि जब वो आ रहे होंगे गांधी जी के पास श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, तो वे नहीं सोचे कितनी मजबूरी है हमारी, जिस गोडसे को मैं प्यार करता हूँ उसको छोड़ के गांधी के ऊपर फूल चढ़ाने जा रहा हूँ। आप इस बात को सोचिए कि वो झंडा फहरा रहे 10वीं बार, 56 साल एक स्वयं सेवक की हैसियत से जीवन के, जिन्होंने उस राष्ट्र के झंडे को स्वीकार नहीं किया, जिस संविधान को माना नहीं, आज कांपते हुए हाथ से झंडोत्तोलन कर रहे हैं 10वीं बार, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसे तो हिटलर ने भी कई बार जर्मनी में झंडा फहराया। अब यहाँ पे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना इंडिया में कहाँ कहाँ हो रहा है, दिक्कत कहाँ है? बेफिक्र रहिए, इंडिया का ये मोर्चा जो है
ये नया इतिहास लगेगा, कुछ फिसलन होगी, कुछ आगे जाएंगे, कुछ पीछे जाएंगे, कुछ लड़ेंगे, कुछ भिड़ेंगे। केरल में कांग्रेस से लड़ोगे, वैसे कांग्रेस के साथ रहो। हम तो लड़ाई परमानेंट करते हैं, लेकिन आपसे ये कहें कि 1-to-1 अगर हो जाएगा तो एक अकेला सब पर भारी ये देश में आज जो चल रही है। काल में उन्होंने कह दिया हम तो साथ लेंगे ही नहीं। अरे वो सब ठीक है, अभी देखते जाइएगा, कुछ कह रहे थे होगा ही नहीं। अब पहले कांग्रेस भी नहीं थी, अब कांग्रेस छोड़ दिया, अब लेफ्ट आए, ऐसे कई लोग थे आएंगे। और मैं आपसे ये कहूं कि ये मोर्चा इतना आसान नहीं है। इसमें 25-26 लोग हैं विचारों के, और ये विचार जब मजबूत होकर के बढ़ेंगे ना तभी देश बढ़ेगा। ये मजबूती से आगे बढ़ जाएगा। पर यहां पर प्रधानमंत्री पर अभी टिप्पणी की, आप छोटा सा कमेंट करना चाहेंगे? नहीं नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य है कि अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता चले गए, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। क्या राजनीतिक दिवालियापन है कांग्रेस का, मैं समझ नहीं पा रहा। कल इनके एक वरिष्ठ जो जनरल सेक्रेटरी है वो आम जनता को राक्षस बता रहे हैं। इतना यानी आपके अंदर बौखलाहट, इतनी हताशा, इतनी निराशा कि आप आम जनता जिसके वोट पर जो जनता जनार्दन है उसको आप राक्षस बोल रहे हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत हैं, सुप्रिया श्रीनेत से मैं एक मिनट अभी आ रहा हूं। सर रुकिए ना, होश तो मैं हूं ना, राक्षस है बीजेपी के मतदाता। आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे एक चीज की खुशी है कि जिधर इंडिया बैठा है वहां पर 3 महिलाएं हैं, और जिधर एनडीए बैठा है वहां पर एक भी महिला नहीं है। अच्छी स्पिन दी है। आधी आबादी के बिना ये देश पूरा कैसे होगा? स्पिन नहीं दिए, जो सत्य देखा वो आके बयां किया। आप बता दीजिए कहां है महिलाएं? राक्षस है बीजेपी के वोटर। पहले मैं इस बात का उल्लेख तो कर लूं, लड़कियों को समझ में तो आए कि इनकी हिस्सेदारी यहाँ है, इनकी हिस्सेदारी वहां हो नहीं सकती है। आधी आबादी का 0 रिप्रेजेंटेशन है उस तरफ। देखिए, आप किसी के शब्द को पकड़ के कुछ भी कहना चाहिए तो हम तो फिर ये कहेंगे कि इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी की प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्ष खड़े करने वाले अपने आप को देशभक्त कैसे कह सकते हैं? 3 महीने मणिपुर पर चुप रहने वाले अपने आप को देशभक्त कैसे कह सकते हैं? और बहुत बातों की राक्षस कहना गलत है ना? नहीं, मुझे लगता है एक अकेला सब पर भारी कहना गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि वो दम्भ और अहंकार दिखाता है, क्योंकि अंततो गत्वा 38 का कुनबा तो आपको भी जोड़ना पड़ा। जिन 24 में 0 सांसद हैं, जिनके 7 में 1 सांसद है, इनके 2 के 2 हैं, तो असलियत यहां पर भी आप देखिए। मुझे लगता है हर सवाल विपक्ष से पूछने के बजाय आज सत्ता पक्ष से पूछिए। महिलाएं, हम सबसे सवाल पूछेंगे, पहले पर पत्रकारों से। एक मिनट देखिए, यही तो खूबसूरती है इस डिबेट की, हर कोई बोलना चाह रहा है, थोड़ा काम मेरा मुश्किल हो जाता है। पर राहुल देव, अभी तक जो ये चर्चा, जो विमर्श आपने देखा है एनडीए बनाम इंडिया, विमर्श किस तरफ और क्या इशारे करता है? देखिए, ये तो बहुत आम है हम सब लोगों के लिए, नागरिकों के लिए भी, पत्रकारों के लिए थोड़ा ज़्यादा, कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते, यही राजनीति है आज की। तो उस पर मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, सिवा इसके कि अगर हम लोग अपने अपने विचारधारा को, अपनी बात को, अपने वायदों, जो भी हमें कहना है उसको थोड़ा सम्मानजनक ढंग से कहें, हम शालीन ढंग से कहें। भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। भाषा तो भाव को अभिव्यक्त करती है, हमारा भाव कैसा है ये महत्वपूर्ण है। भाव ठीक होगा तो भाषा अपने आप ठीक हो जाती है। तो अभी ये जो भाव दोनों पक्षों से, विशेष तौर पे मुझे कहना पड़ेगा जो सबसे जिम्मेदार पक्ष है जिसको होना चाहिए, उसकी भाषा और भंगिमा दोनों ज़रूरत से ज़्यादा आक्रामक हैं, और थोड़ी क्रूरता भी आ गई है उनमें। तो मेरा दुख इस बात का है, मुझे आरोप प्रत्यारोपों पर कोई समस्या। पर अब है देखिए, अब राजनीतिक जंग है, साम दाम दंड भेद भी इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री ने ताल ठोक दी, तीसरी बार भी मुझे बना दीजिए प्रधानमंत्री, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा, तो अब ये तो होगा। तो लाल किले से आपको क्या दिखा है, एनडीए की तरफ से क्या संदेश देते दिखे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, मुझे तो लगता है, जो पहले भी मैं आपके मंच पर कह चुका हूँ कि 2014 और 2019 के बाद इस बार एक बिल्कुल नई बात हुई है। वो नई बात ये हुई है कि सत्ताधारी दल को एक प्री पोल, एक चुनाव पूर्व गठजोड़ से मुकाबला करना पड़ रहा है, और वो मुकाबला 7-8 महीने पहले ही बन गया है। वो राजनीति का गणित भी तलाश, और चुनाव का गणित भी तलाश करेगा, कर रहा है,
और चुनाव का जीत का रसायन भी तलाश करेगा, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों तलाश करेगा। और भाजपा इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि प्री पोल अलायंस के क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि खुद वो प्री पोल अलायंस करके फायदा उठा चुकी है। तो यहां पर गणित और रसायन शास्त्र, गणित किसका भारी, केमिस्ट्री किसकी बेहतर दिख रही है? रामकृपाल सिंह, देखिए सुधीर जी, मैं एक बात कहूंगा, ये सब देखने के बाद जनता के सामने मेरा एक मानना यह है कि जो आम मासेस और क्लासेस फैसला मासेस करती है, क्लासेस नहीं। और एक जो बात थी, दो खेमे हैं, एक तरफ आरोपी खड़ा है या खेमे में आरोपी है और दूसरी तरफ सजा याफ्ता है, सच है। और अगर जैसा कि लोग कह रहे हैं कि 10 सालों में अगर इतना खराब काम किया है और उसके बाद भी दो बार जीते, तो मुझे लगता है कि वो एक लाइन है जनता की तरफ से, वो मुझे अच्छा लगे है जो मुझे तड़पाए है। तो ये जो बात ये, है ये बड़ी जो वो मुझे अच्छा लगे है जो मुझे तड़पाए। राकेश भाई, मतलब बात आती है भरोसे पर, एतबार पर, कि जनता एतबार किस पर करेगी। दोनों तरफ विपक्ष के पास भी मुद्दों की फेरिस्त है, पूरी थाली सजी हुई है, इधर 9 साल के विकास की दुहाई देते दिखाई देंगे। बात है भरोसे की, जनता को बेहतर कौन समझा पाएगा और अभी कौन समझाता दिख रहा है एनडीए इंडिया में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए और INDIA के बीच में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भरोसे का अभाव है। दोनों दलों के बीच में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो एक दूसरे पे भरोसा कर सके, दोनों के बीच में। और इसी वजह से इन गठबंधन को अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मजबूती की जगह पे ये मजबूरी का गठबंधन। अब आप देखिए शरद पवार जी को, शरद पवार जी दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रहे, उधर वो INDIA के संयोजक बनने की भी इच्छा रखते हैं और ये सोचते हैं इधर से मैं नहीं बना तो एनडीए में भी अपन एक विकल्प लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पुणे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने मंच साझा किया वो एक तरह से INDIA को मैसेज था कि या इधर दीजिए या हम उधर दें। शरद पवार जी का पुराना रवैया देखें आप, तो आपके यूपीए में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि चेयरपर्सन की कुर्सी से उनको हटा के सोनिया। तो ये भरोसा, आपस में भरोसा और जनता का भरोसा, कौन जीतेगा? आजादी का जश्न तो मना रहे हैं लेकिन राजनीतिक जंग की तैयारियां भी हैं। अब आप दोनों जो साथ बैठे हैं, ये चाचा भतीजा साथ आ जाएंगे? कहने को तो एनडीए में आ गए, बंटवारे की जब बात होगी परिवार एक हो जाएगा? परिवार कब अलग था? सबसे पहले मैं सुप्रिया जी को जो एक जवाब देता हूँ, महिलाओं के ऊपर जो बात की सुप्रिया जी ने, महिलाएं हमारे सक्षम है पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। जब इनके नेता फ्लाइंग किस देना, आंख मारना बंद करेंगे ना, तब हमारी महिलाएं अच्छे तरीके से हमारी, और वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और बाकी फेरिस्त दोनों तरफ से बहुत लंबी बात कर रहा हूँ संदीप जी, पास को भूल जाओ। पास किसने सुना है? हम आप तो वही सुनाते रहते हैं, हम तो प्रेजेंट की बात सुनाते हैं। इनके नेता जब बंद करेंगे दूसरे तरीके का व्यवहार, इटालियन व्यवहार यहाँ पर जो वो डाल रहे हैं, हर एक माँ बहन बेटी को पुच्ची मारना, किसी को आंख मारना, जब वो बंद हो जाएगा, मेरी माँ बहन बेटी हमारे साथ, वैसे भी आपके सेशन में ऑलरेडी हमारी दो पत्रिका, दो महिलाएं हमारी यहाँ प्रवक्ता थी बीजेपी की, वो ऑलरेडी यहाँ पर थी। हमारे परिवार की बात है, सवाल का जवाब नहीं दिया पर महिलाओं पर आ गए, बल्कि मैं सीमा से ले लेता हूँ रिएक्शन। गठबंधन तो वही है कि भाई ये फ्लाइंग किस क्या हो रहा है? देखिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है ये, आज इनकी महिला सांसद जो है उनको जो आक्रोश उन्होंने दिखाया फ्लाइंग केस के ऊपर, शायद अगर ये आक्रोश कभी मुझे मणिपुर के लिए नहीं दिखाई पड़ा महिला पहलवान इतने दिन तक। मैं बड़ी संजीदगी से ये बात कहना चाहती हूँ कि उन्होंने कई बार इनवाइट किया कि बीजेपी के कोई सांसद आए और हमारी बातों को सुने, पर कभी भी ये आक्रोश मुझे उनमें नज़र नहीं आया, नज़र नहीं आता मुझे उनका ये आक्रोश कभी बिल्किस बानो के ऊपर कभी नज़र नहीं आता है। जब जो बीजेपी के ब्रिजभूषण हैं, शायद उनको उनका बिहेवियर उनको शायद ठीक लगा है महिला पहलवानों के लिए। सीमा, जो मैं चाचा भतीजा की बात उधर पूछ रहा था, आपके यहाँ भी तो चाचा भतीजा, क्या खेल हो रहा है? एनडीए में भी हैं, इंडिया में भी हैं, क्या शरद पवार खेल क्या कर रहे हैं?
देखिए माननीय शरद पवार जी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि वो इंडिया के साथ हैं और एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। और देखिए मैं आपको बोलूंगी कि एक डिफरेंट कल्चर होता था पहले, ऐसा नहीं होता था कि अगर हम दूसरी पार्टी में हैं तो हम दुश्मन हो गए दूसरों के, हम किसी से मिलेंगे नहीं या बोले भेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं होते थे। हाँ दुबे साहब ऐसा ही हो रहा है या दिक्कतें हो रही हैं कि अरे भैया पता लगा हम अकेले ही रह गए? सबसे पहले हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। देखिए ऐसा कि आदरणीय शरद पवार साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, हम सबके नेता हैं। हम कोई पीड़ा में होंगे, कोई हमें आपत्ति होगी तो हम अपने घर में ही कहेंगे, हम बाहर नहीं कहेंगे। जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों में कई बार शरद पवार साहब और अजीत पवार साहब की मुलाकात खुले आम हो रही है, मंचों पर हो रही है, तो यह महागठबंधन या इंडिया का गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर होता है, क्योंकि हमें अंततः तो राजनीति करनी है लोगों की सेवा के लिए। और अगर हम लोगों मुंबई में जो अब ये गठबंधन बैठेगा, मुंबई बड़ा अहम हो जाता है और वहां पता लगेगा। नहीं देखिए, मुंबई का जो गठबंधन 31 अगस्त और 1 सितंबर को है, बहुत मजबूती से उसकी तैयारी चल रही है, पवार साहब उसमें स्वयं रहेंगे। मैं दूसरी एक महत्वपूर्ण विषय पे रखना चाहता हूँ, एक सेकंड खाली। प्रधानमंत्री जी कहते हैं परिवारजन, परिवारजन कौन है सर? क्या हम परिवार नहीं है? जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो परिवार नहीं है? ये जो इंडिया बैठा है आपका परिवार नहीं है? आपको 2019 में 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया करीबन 100 करोड़ लोग, क्या वो आपके परिवार नहीं है? आप उनको खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है दुबे साहब, तो परिवार को लेकर भी यहां रार हो रही है और तकरार भी हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चर्चा कुछ खास जो घट, अब लोग देखिए परेशान हो गए हैं, मेहमान इतने हैं, सब बोलना चाह रहे हैं और जिम्मेदारी का ठीकरा मेरे कांधों पर आ गया है। आजादी का जश्न भी मन रहा है, राजनीतिक जंग भी जारी है। और अभी इंडिया खेमे में दिलचस्प सी बात कही दुबे साहब ने कि देखिए अगर शरद पवार उधर भी पींगे बढ़ाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपके लिए तो सरकार आप चला रहे हैं, चाबी सत्ता के ताले की जेजेपी ने खोली, बीजेपी कह रही है हम तो 10 की 10 सीट पे लड़ेंगे, वो पहले ही ठेंगा दिखा रही है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, सीटों को लेकर अभी लोकल लेवल पर कोई बात होगी, लेकिन मैं तो अमित शाह का बयान बता रहा हूं दीप कोमल, तब एनडीए की बात मीटिंग नहीं हुई थी, उसके बाद किसी ने कभी नहीं कहा ऐसा। मैं उससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं संदीप जी आपसे, क्या मैं या हमारी तरफ बैठे कोई भी प्रवक्ता आपको राक्षस दिखते हैं? कांग्रेस पार्टी वालों को हम राक्षस दिखते हैं और हम नहीं, घमंडिया दिखते हैं और हम नहीं? अच्छा वो घमंडिया है? हम नहीं, घमंड तो इसके अंदर है ही ना, जब कोई किसी को राक्षस कह दे तो वो घमंडी नहीं होगा क्या? और सिर्फ हम नहीं, 25 करोड़ देश के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को या उनके साथियों को वोट दिया, उनको रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि राक्षस हैं। ये जो घमंड है यही तो एक कहीं ना कहीं दिखता है कि क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व की और नेतृत्व की। इसमें घमंड नहीं कि जिसके साथ सत्ता में है हरियाणा में उसको कह दे कि नहीं हम तो 10 की 10 लड़ेंगे, इसको क्या कहते हैं आप? देखिए ये अंतर्विरोध तो एक पार्टी के अंदर भी है, एक पार्टी के अंदर भी और अलायंस के बीच में तो हो गया। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको मेरे पड़ोस से दे देता हूं, पंजाब से। वहां पर मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के और नेता विपक्ष है कांग्रेस पार्टी के, तो अब वो क्या करेंगे एक बार ये पूछ लीजिए। ये बिल्कुल पूछने वाली बात होगी। माधव आप इंडिया से एनडीए आ गए, उधर वालों को कि मजबूरी का नाम गठबंधन है, आपकी क्या मजबूरी है? हम लोग की कोई मजबूरी नहीं है, केमिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैथमेटिक्स इन पॉलिटिक्स। और केमिस्ट्री आपने देखा ना, जो इंडिया गठबंधन के लोग जिसको हम लोग ने घमंडिया नाम दिया है, घमंडिया गठबंधन में किस तरह है, एनसीपी के बारे में उन्होंने क्या क्या, शरद पवार के बारे में क्या क्या, तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्ट के बारे में क्या कहा, हम लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं है। यानी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हम लोगों के बीच है कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां कोई केमिस्ट्री नहीं, मैथमेटिक्स जरूर दिखाते हैं कि एक सीट पे एक उम्मीदवार, लेकिन मैथमेटिक्स से काम राजनीति में नहीं होता है, केमिस्ट्री से काम होता है। तो केमिस्ट्री हम लोगों की बहुत मजबूत है। और आपके यहाँ कौन सी केमिस्ट्री चल रही है उत्तर प्रदेश में? ये क्या केमिस्ट्री, परिवारवाद की बात करते हैं, आपकी पार्टी तो मतलब बड़ी लोकतांत्रिक है, बाप बेटे नहीं चलाते हैं। ऐसा है कि जो वर्कर जितना काम करेगा उसी के हिसाब से उसको पद मिलेगा। और इसी के साथ मैं बड़े भाई मोदी जी, अमित शाह जी को और सुनील जी को
स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और साथ में आपके चैनल को। जो मेरे सामने इंडिया के जो बैठे हुए हैं उनमें दो से लेके तीन पार्टी ऐसी हैं जो कि निषादों की हत्यारी हैं, और जैसे ये सामने महिलाएं हंस रही हैं उनको एक बार रोना चाहिए कि इनके ही किसी नेता ने इनको परकटी कहा था। तो इसके साथ ही मैं ये कहूँगा मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 3,200 करोड़ से तीन सीटों का बंटवारा, अभी दो चार मिल जाएंगी तब धन्यवाद देंगे या अभी रुकेंगे? हमने तो एनडीए से कहा है कि आप हमें जितनी हारी हुई सीट दे दो और हम सबको जिता के लेके आएंगे। सर ये एक मिनट, मोदी जी ने 3200 करोड़ का जो इतने साल से सरकारें आई हैं वो 3200 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं दिया उन्होंने मछुआरों को, निषादों को, और इस बार उन्होंने 1,20,000 करोड़ रुपए देके हम लोगों को बड़ा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो भारतीय राजनीति का सबसे अहम राज्य है यानी कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है। तो देश आजादी का जश्न मना रहा है और 2024 की लड़ाई की तैयारियां भी लगातार जारी हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, आज प्रधानमंत्री ने ताल ठोकी कि 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे हम, 2014 में 5वीं बना दिया, तीसरी टर्म और दो, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश को बना दिया जाएगा। उसका रोड मैप क्या होगा, मुख्य बिंदु क्या होंगे निर्मला सीतारमण? नमस्कार जी, रोड मैप हमने पिछले बजट से, अमृतकाल के बजट पिछले बार से हम घोषणा कर रहे हैं कि पहले रोड मैप में किसानों के आय बढ़ाने और दूध उत्पादन, डेयरी, मिल्क प्रोडक्शन और मछली पालन, इन सब का प्रोत्साहन देते हुए फूड सिक्योरिटी, देश का फूड सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि हमारे देश में युवा की संख्या अच्छा है और वो पढ़े लिखे होते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट में और इंटरनेट रिलेटेड स्किल्स में और कोडिंग ऐसे स्किल्स में उनको उनका कौशल्यता बढ़ाने के लिए स्किलिंग का प्रोग्राम करने के लिए, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोडक्टिविटी गेन्स लेकर आने के लिए उपयोग करना, ना कि कुछ और रीजन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में युवाओं का एक्सपोजर देना और तीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन देने के लिए भारत एआई हब बनाने के लिए 3 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस लगवाना, और एफडीआई विदेश से जो पूंजी निवेश आते हैं उनको प्रोत्साहन देना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पॉलिसी सपोर्ट देना, ये सब भी हमारे रोड मैप में है। अब ऐसे में हम सबसे बड़ी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। पहलू ये कि प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, क्या ये इज इट जस्ट अ फंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कि 140 करोड़ हैं, या दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था में जो ताकत है उसकी उसका एक प्रतिबिंब भी देखते हैं हम इस बात में? हमारे जनसंख्या को मैं एक अपॉर्चुनिटी के नाते देखती हूँ, क्योंकि जब हमारे जनसंख्या लार्जली युवा मीनिंग पोटेंशियली प्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उनके द्वारा बहुत सारे जो स्टार्टअप और स्टैंडअप के दुनिया से हम वो भी देख रहे हैं, और सिर्फ सिटीज में नहीं गांव में भी
हमारा लोग स्टैंडअप के द्वारा इतना नया इनोवेशन के तहत काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने में हमारे एंटरप्राइज बढ़ेगी। एंटरप्राइज बढ़ाने में हर एक क्षेत्र में उनके अपने अपने आर्थिक दुनिया बढ़ेगी और उसका दैट इकोसिस्टम फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होएगा। उसके तहत दैट ट्रिपल इफेक्ट विल ब्रिंग इन दैट काइंड ऑफ अ बेनिफिट टू द एरिया रीजन एंड सो ऑन। दिस इज नॉट अ थियोरिटिकल कंस्ट्रक्ट। जैसे एक बंदरगाह के इर्द गिर्द बहुत एक्टिविटी होते हैं, लोडर्स होते हैं, शिपिंग रिपेयर करने वाले होते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे करके उधर ही एक इकोसिस्टम बना जाते हैं उस इकोनॉमी से। हिंटरलैंड में अंदर जो नगर और गांव है उनको इम्पैक्ट होता है। ऐसा ही मैं मानते हूँ कि हर राज्य में बहुत सारे इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, उनको प्रोत्साहन देने में उधर ही के उधर उस आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी। निर्मला सीतारमण जी, ये सवाल मैं ना पूछूं एक आम आदमी ठगा सा महसूस करेगा। महंगाई कितनी बड़ी समस्या है। जुलाई के आंकड़े आए, 7.44% पर महंगाई फिर से पहुंच गई है और ये महंगाई सतत लगातार चलती आ रही है। आम आदमी के पास जेब में जो खर्च होने वाला पैसा है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। ये बड़ी चिंता है क्या आपके लिए? जरूर चिंता है, क्योंकि जब 4.7 तक नीचे गिरा इन्फ्लेशन, उससे थोड़ा राहत मिलना शुरू हुआ। हमें दिक्कत पेरिशेबल कमोडिटीज़ जो जल्दी सड़ा जाता है, ऐसे टोमेटो प्याज वगैरह, क्योंकि जहां क्रॉप होता है इनका उधर बाढ़ के वजह से आज कमी हुई और सप्लाई में रुकावट पैदा हुआ और सप्लाई कमी भी हो रही है। इसीलिए हमने जब मैं पार्लियामेंट में पिछले सप्ताह बात की उस समय ये विषय बोले कि नेपाल से टमाटर इंपोर्ट करने के लिए हमारी कोशिश रहा और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में उस टमाटो को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत व्यवस्था ऑलरेडी पिछले सप्ताह से शुरू ही हो गया है। ऐसे ही कोलार से कर्नाटका, आंध्रा से टमाटर ले आकर के दिल्ली में कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। मीडिया में आप भी शायद देखे हैं कि ट्रकों के सामने लोग जाके खरीदने के लिए खड़े हुए हैं। जल्दी से जल्दी जब सप्लाई बेटर होता है दाम कम होने का संभावना है। मैं सिर्फ इससे काम हो गया है ऐसे बैठने वाली नहीं हूँ। होम मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में हम एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो हर सप्ताह मॉनिटर करते हैं जहाँ सप्लाई का दिक्कत है ले आने के लिए प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके। दलहन भी इंपोर्ट कर रहे हैं म्यांमार से, कनाडा से, मोजाम्बिक से, जिससे दालों के प्राइस के ऊपर थोड़ा निगरानी रख सके हैं। ऐसे कदम उठा रहे हैं मगर और उठाने का आवश्यकता भी है, मैं मान रही हूं इसको। निर्मला सीतारमण जी, आखिरी सवाल। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तीसरी टर्म दे दीजिए, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत को बना देंगे, तो वो तीसरी टर्म में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही होंगी? वो तो प्रधानमंत्री जी का प्रिविलेज है, उसके ऊपर मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूं। वो प्राइम मिनिस्टर विल डिसाइड हु विल बी इट। वो प्राइम मिनिस्टर तब डिसाइड करेंगे अगर तीसरी टर्म मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तीसरी टर्म में जिसकी भूमिका सबसे अहम रहने वाली है वो है उत्तर प्रदेश का राज्य। और उत्तर प्रदेश में दो लड़के साथ चले, बुआ बबुआ साथ हुई, वो गणित और केमिस्ट्री दोनों की बात यहाँ पर चल रही थी, इस बार गणित और केमिस्ट्री बना पाएंगे? एक बहुत पुराना दोहा आपने जरूर सुना होगा कि सदा समय ना एक सी, समय समय की बात, कभी कभी के दिन बड़े कभी कभी की रात। समय परिवर्तनशील है। इंडिया गठबंधन में जो 26 पार्टियां हैं अपने अपने प्रदेश की, अपने अपने क्षेत्र की,
जनाधार वाली पार्टी है, इनके नेताओं की सबकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, मजबूत पार्टियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ओर से मैं ये गारंटी देना चाहता हूं कि एनडीए सत्ता में ना आ पाए इतनी सीट तो हम उत्तर प्रदेश में ही कम कर देंगे अकेले। सपा और कांग्रेस साथ होंगे? अब ये तो आने वाला कांग्रेस और सपा का तो लगभग मतलब दो लड़के तो साथ होंगे और बुआ बबुआ। हाँ, इंडिया में आ गए हैं, अभी कई लोग और तड़फ रहे हैं, और जो कहते थे उत्तर प्रदेश में, मेरे मित्र बैठे हैं सामने पीला गमछा डाले हुए, जो कहते थे देश का सबसे बड़का झूठा नेता कौन? नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़का झूठा नेता कौन? योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ को वहां पहुंचा दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो पता नहीं किस मजबूरी में उधर है, हमें तो उम्मीद ये भी है क्योंकि ये जनता की राजनीति करते हैं, और पिछड़े वर्गों के लिए इन्होंने जो जो मांगे उठाई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके विपरीत काम किया है। उनसे तो सवाल पूछेंगे ही अब। अरे रुकिए ना, आ रहा हूं। ये आपके नेता जयंत वो ट्वीट कर देते हैं खिचड़ी बिरयानी कुछ कुछ, फिर खीर की भी बात होती है, हैं कहां आप अभी? इंडिया में ही हैं। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो 15 अगस्त की सबको बधाई, और जो आप सवाल उठा रहे हैं, आप तो खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ चावल में दूध मिलाया जाता तो खीर बनती है, और ये बैठे हैं तो लंजान बैठे हैं, और हमारे दुबे जी भी वहीं से पूर्वांचल से हैं, इनके चावल में दाल डाली जाती है तो खिचड़ी बन जाती है, चावल और दूध का फर्क है। ये दरअसल हो क्या रहा है, खिचड़ी तो नहीं पका रहे जैन? खिचड़ी नहीं, हम लोगों की देखिए, जैसे सुबह को हमारे MLA मिले अखिलेश यादव जी से और रणनीति तैयार करी कि हाउस में हम उनको जवाब देंगे। गन्ने का पेमेंट हजारों करोड़ बकाया है, अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके दोस्त कह रहे हैं कि साहब अर्थव्यवस्था थर्ड पे पहुंच जाएगी। कहां से पहुंच जाएगी? पिछले साल का गन्ने का हजारों करोड़ रुपए बकाया है, 6 साल से योगी जी ने गन्ने का ब्याज नहीं दिया है, किसान से ब्याज लिया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, बैंक से, किसान लूट रहा है, किसान की आमदनी आधी हो गई, आमदनी दुगनी जरूर हुई है, वो मोदी जी के दोस्तों की हुई है, अगर नाम मैं लूंगा तो फिर इनको बेचैनी हो जाएगी। ऐसे तमाम उद्योगपति हैं जिनकी आय दुगनी हो गई। हाँ, 15 एक मिनट बस। जहां तक सवाल है, पिछला चुनाव 22 का, 22 के चुनाव में हमने अखिलेश यादव जी ने और हमने इनको वर्चुअली हरा दिया था, अगर 5,000 वोट और पड़ जाती तो 220 में तो गणित तो बहुत बदल जाता है। आपको 8 सीटें आई, दरअसल ये, पर मैं अभी 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 आ रहा हूँ, पर ये जो अभी याद दिला रहे थे राजकुमार भाटी कि कौन सबसे बड़ा झूठा, और अब आप उन्हीं के साथ हो गए। देखिए सबसे पहले संदीप भाई, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, सभी को इस स्वतंत्रता दिवस आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ में उन लोगों को जो लोग नहीं मानते उनको भी शुभकामनाएं जो NDA को नहीं मानते, और साथ में जो हम पीछे 2022 में जिसके साथ थे, जो कसमें खाते थे और नीतियों की बात करते थे, उनके लिए भी बधाई। अब बात आती है समाजवादी पार्टी का, हमारे बड़े भाई राजकुमार जी का। राजकुमार जी हमारे बड़े भाई हैं, चूंकि हम साथ रहे हैं उनका दर्द लगता है। चचा शिवपाल यादव, जिस समय हमें तलाक दिया गया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने उनको भी तलाक लेटर दिया था, आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद चचा जी ने अपने भतीजे जिसको लालन पालन किया, गोदी में खिलाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, यानी कि एक पिता का फर्ज चाचा ने निभाया। उन्होंने क्या कहा था अखिलेश यादव को? उन्होंने कहा अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता। आज वही अपरिपक्व नेता इनके टीम के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जब उन्होंने उनके साथ किस तरह किस किया समाजवादी पार्टी ने, संदीप भाई कहने जी रंजिश की बात नहीं, एनडीए में आप कंफर्टेबल हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, कहने तो दीजिए। एनडीए में हम 2017 में जब एनडीए के साथ थे भारतीय जनता पार्टी, 30 सेकंड में बात पूरी करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, उस शर्त के मैं उसी पाऊंगा। 2017 में साथ थे हम, 18 महीने सरकार में थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए जो 17 जातियों को सपा बसपा ने एक मंदिर का घंटा बना के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात करते थे, जब जब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को कोई भी लबालब आता था आरक्षण, ये लोग एक मुखौटा पेश करके केंद्र में डाल। जो सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं, अब मैं आप सॉरी सॉरी नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। मुझे ये बताइए एनडीए में आप कितने कंफर्टेबल हैं, या गिनती बढ़वाने के लिए आए? देखिए एक पंक्ति से मैं बता दूं उनका जो दर्द है, कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झर गई होंगी, यही आरोप लग रहा है हम पर
बेवफाई का, वतन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, आज वही दम भर रहे हैं वतन की रहनुमाई का। उनका जो दर्द है आज उसमें एक भी पार्टी नहीं है जिन्होंने एक दूसरे के दलों के कार्यकर्ताओं के खून नहीं बहाए और सैकड़ों हत्याएं हजारों हत्याएं करके कार्यकर्ताओं के खून से और उनके लाशों पर चढ़कर आज राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में जो हो रहा है वही मैंने अभी कविता के माध्यम से कहा। मणिपुर में 1949 से कांग्रेस ने जो ड्रामा किया था, मणिपुर में कितनी बार 6-6 महीने तक कर्फ्यू लागू रहा, मणिपुर में हवाई हमले कराए गए अपने ही जनता पर, आखिर किन कारणों से कराए गए? कश्मीर में जो दर्द था वो अब मणिपुर में खेल रहे हैं। तो कश्मीर को तो मोदी सरकार ने ठीक कर दिया, मणिपुर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेकर के चलने वाले प्रधानमंत्री पर ये ब्रेक इन इंडिया वाले जो है हर इंडिया के हर अक्षर पर डॉट लगाकर। तो 24 की तैयारी है, कौन किस पर भारी है? इंडिया इंडिया की बात है, आप एक लाइन जोड़ना चाह रहे हैं। संदीप जी, इन्होंने नाम तो बदली किया लेकिन एक गधे को खड़ा कर कर बोले कि कल से तू घोड़ा बन जा और घोड़े की तरफ भाग, वैसे तो होगा नहीं। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कमेंट दे दे, नहीं नहीं क्योंकि वहाँ एतराज आ जाएगा, नहीं छोड़ दीजिए इस तरह के शब्दों के लिए, ये आप ये मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक मिनट, दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, वो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ये आपसे उम्मीद नहीं थी। कृष्णा भाई, आपका लास्ट कमेंट। मैं केवल आज प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ उस पर अंतिम टिप्पणी करना चाहता हूँ कि उनका सब बहुत अच्छा था, हम जानते थे कि चुनाव के वो आखिरी भाषण है, लेकिन उन्होंने अंत में जो तीन शब्दों का इस्तेमाल किया, तीन चुनौतियों बुराइयों के रूप में, मुझे वो अगर ना करते तो बेहतर होता, क्योंकि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, अब उस उन्होंने सावधानी से उसमें मुस्लिम हटा दिया, अल्पसंख्यक हटा दिया, लेकिन जब ये तीनों के पहले कर के जो जिम्मेदार लोग जो ये सब तीनों कर चुके हैं वो आज आपके साथी हैं और आपकी अपनी पार्टी में भी पूरी इससे मुक्ति नहीं है, तो फिर जरा दूसरों पे आरोप लगाना नहीं। अबे दुबे, एक एक लाइन प्लीज, कंक्लूडिंग हेडलाइन। संदीप जी, अगर 2024 को 2019 से भिन्न होना होगा तो उसमें केंद्रीय जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी, और ये वाक कहते हुए मैं इसीलिए सुप्रिया जी की तरफ देख रहा हूं, कांग्रेस अगर अपने प्रदर्शन में 60-70% सुधार करेगी तो 2024 भिन्न होगा, वरना नहीं होगा। राकेश भाई, नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में देश की जनता का विश्वास अर्जित किया है और उसी विश्वास के कारण उनके अंदर इतना आत्मविश्वास है कि वो चुनाव से पहले तीसरे टर्म का दावा कर रहे हैं। रामकृपाल जी, विनोबा भावे की एक लाइन है कि कोई किसी के भरोसे न जिए, यह स्वावलंबन है, लेकिन कोई किसी का भरोसा न करे, यह असंभव है। तो जो भरोसे पर खरा उतरेगा वही जीतेगा। और एक आखिरी लाइन, मैं इतना विश्वास है कोई जिए, कोई भी जीते, इंडिया जीते, इंडिया जीते, लेकिन मेरा लोकतंत्र सशक्त होगा और जो परफॉर्म करेगा वही बना रहेगा, वरना जो परफॉर्म करेगा वही बना रहेगा। तो लड़ाई तो अभी जारी है, इस लड़ाई में अभी कितने बदलाव और आते हैं, राहें बदलती हैं, ऊंट कितनी करवट लेगा उसे तो ट्रैक करेंगे ही।